प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम मुबारक हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। इतनी सारी टेक्निकल ग्लिचेस थी, लेकिन फिर भी खुदावंद ने यह अवसर हमें दिया है कि प्रभु के चरणों में हम बैठ सके। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। मैं चाहूंगा सब लोग इस तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करें और अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार है इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया प्रभु, कि इस लुधियाना शहर में हम खुदावंद आपके नाम की मनादी करने आ सके खुदावंद। और मैं देख पा रहा हूँ खुदावंद यीशु मसीह कैसे आपका वचन खुलता चला जा रहा है प्रभु। और खुदावंद मैं ये भी देख पा रहा हूँ खुदावंद की अंधकार की सामर्थ्य, खुदावंद बहुत परेशान है प्रभु, और वो चाहते हैं कि इस तरह से सभा रुक जाए प्रभु। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आप जो मास्टर ऑफ सिचुएशन है खुदावंद। मुझे याद है खुदावंद कैसे उस कश्ती में खुदावंद जब तूफान और लहरें चल रही थी, खुदावंद यीशु मसीह आप खड़े हुए, आपने केवल एक बार बोल उसको हवा को और तूफान को डांटा, वो रुक गया प्रभु। कैसे आज के युग में खुदावंद आपने नबी के खाल के पीछे आकर के खुदावंद कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को रोका प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज अपनी दुल्हन के अंदर आप पाए जाते हैं खुदावंद। हमने आपके लेटर फॉर्म को देखा खुदावंद, आपके नबी वाले रूप को देखा, और खुदावंद आज हम उस मैनिफेस्टेड वर्ड जो कि आज खुदावंद फ्लैश में आता है प्रभु, उसको देख पाते हैं खुदावंद। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सदा सर्वदा होती रहे। और आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि मीटिंग की सारी कार्रवाई को अपने हाथ में ले प्रभु, हमसे आके बातचीत करें खुदावंद, हमसे हम कलाम हो प्रभु। हर चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए खुदावंद, अपने अजीज पास्टर भाई आशीष को आपके हाथ में समर्पित करते हुए, और प्रभु खास तौर से प्रार्थना मांगते हैं भाई जॉन, पास्टर जॉन, उनकी कलीसिया के लिए खुदावंद बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह, अपने नाम और जलाल के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, उस कोरस को गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूं प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और हालेलुया।
प्रभु मेरा जीवन आपने कितनी आशीषों से भरा। खुदा को धन्यवाद करते हैं, खुदावंद ने अपने वचन को आपके और मेरे लिए खोल दिया, प्रभु स्वयं उतर के आ गए और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद हमारे बीच में यहां मौजूद है। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, मैं चाहूंगा कि भाई एक गीत तो गाएंगे एक बार और, सामर्थ से भर दें खुदा एक बार और। इन आंखों का लू मैं पलटा, आपने सैमसन वाला मैसेज सुना होगा, एक बार और रू बस नजीर रहूं, बस नजीर आपका। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। Oh,
हालेलुया, एक बार और, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद हमारे बीच में है। हम अधिक समय और नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे वचन में घुसना। तो आइए हम लोग सब की सब खड़े हुए उस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमेन। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe, you believe, my Jesus is here, Aziz, Pastor Bhai Ashish, Bhai Robin, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. God bless you all. Khudavantanu sabnu bahu barke deve. Let's open our Bibles to Deuteronomy. Aao assi apni Bible de vichon vivastha sar di kitab chapter 16 aur oda 16va adhyay. And we are going to read verse 1 and verse 2 only to cut short the time. Aur sama bachaun de layi assi pehli ate dusri ayat nu padhange. God bless you, brother. Padde ha. Abib de mahine nu tusi manaya karo ate Yehova apne khuda layi phasa karo, kyon jo Abib de mahine vich Yehova tuhada khuda tuhanu Misr to raat de vele kadh liya. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸਾ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯੋਰ ਵਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਬਲੈਸ ਅਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਕਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਯੂ ਲਾਰਡ। प्रभु असी तेरी आराधना करना आए हां। Then Lord, please bless us. प्रभु कृपा करके सानू बरकत दो। Cast away every evil and demonic spirit from this place in hell for the day of its destruction. इस जगह तो असी हर एक दुष्ट आत्मा नु विनाश दे देन दे लई बांध दंदे हां। And let your holy spirit find access in the hearts of the people. और तेरा मधुर पवित्र आत्मा लोगों दे हृदय अंदर जगह लब लवे। In the name of Jesus Christ, and Lord, you open the scriptures for us. Aur Prabhu apna vachan sade layi khol. In the name of Jesus Christ. Prabhu Yeshu de naam vich. We ask this prayer. Assi prarthna binti mangde ha. Amen. Amen. You can be seated. Tusi baith sakde ho. God bless you. God bless you. Prabhu tuhanu barkat deve. Prabhu tuhanu sab nu barkat deve. God really bless you. Prabhu tuhanu barkat deve. We thank God for this evening service. Asi sham di sabha de layi prabhu da dhanwad karde ha. And we had some problems with this
you know, electricity system. कुछ बिजली दी समस्या आई इस सारे प्रोग्राम दे विच. Because of which, again the meeting became a little late. जिदी वजह करके ए मीटिंग फेर लेट शुरू हुई. Thank God we could start it. पर धन्यवाद होवे के घट तो घट शुरू हो चुकी है. So one thing is very certain, some power is there which doesn't want these meetings. एक गल तो पक्की है कि कोई शक्ति ऐसी है जिहड़ी इन्हां मीटिंगां नूं होण नहीं देना चाहुंदी. But he that is with us is greater. पर ओ जो साडे विच है उस नालों वड्डा आ. So let the name of the Lord be praised. इसलिए प्रभु दा नाम महिमा पावे. God bless you. खुदा तुहानूं बरकत देवे. Nice to see all of you ministers and brothers here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. God bless you all. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. God bless you, Pastor Simon. Pastor Simon, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. These young boys who have come. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਏ ਹਨ. God bless you. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. Now we'll move into the word straight away. ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ. I would like to bring a subject. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. God's provided place of worship in a tent. ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ. May God give me grace. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ. To bring that subject to you. ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂ. Because this is one subject that would start in your life what we saw in the last two services. ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. We have been seeing many things. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ. And the second ride. ਦੂਸਰੀ ਸਵਾਰੀ. And the third pull. ਤੀਸਰਾ ਖਿਚਾਵ. And the bride is coming to that. ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ. But for the third pull to operate. ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਵ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. I believe you don't just need a squeeze. ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. Which is necessary. ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ. But by the time the squeeze comes. ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. The bride has to be in a particular place. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ. And when the bride reaches that place. ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. That is the time God operates the third pull. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਖਿਚਾਵ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੇਗਾ. All these meetings. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. Is just a preparation. ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਹੈ. Hearing the revelation, understanding some things. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ. Is a preparation. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ. So that we climb up a little higher. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੀਏ. But we are finally coming to a place. ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. And I'm going to talk a little about it today. ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗਾ. I think this will not be very difficult for you to understand. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. And I think you can understand it easily. ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ. God really bless you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. Deuteronomy 16. ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 16. When God brought the law through Moses. ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ. Deuteronomy is preaching the book to the second generation. ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. Deuteronomy is not preaching to that generation which came out of Egypt. ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ. They heard it in the book of Exodus. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ. But in Deuteronomy. ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ. When they have come to Jordan. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ. And are just about ready to cross on the other side. ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ. That new generation which was born in the way. ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ. Which did not hear the book directly.
और इस पीढ़ी ने सिद्धी किताब नहीं सुनी. Moses is repeating that book to that generation. मूसा इस दूसरी पीढ़ी नू इस किताब नू सिर्फ दोहरा रहा है इन्हां दे अगे. And the reason he is repeating it, ओदे दोहराउण दा कारण ए है. Because when you go in the land, क्योंकि जदों तुसी उस धरती विच चले जांदे हो, you will need this book there. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ. ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਬੁੱਕ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਯੋਰ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਬਿਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ. ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਨ ਜੋਸ਼ੂਆ ਚੈਪਟਰ 1 ਇਟ ਸੇਜ਼, ਜੋਸ਼ੂਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਥੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਫੋਰਸੇਕ ਥੀ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ. ਓਨਲੀ ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ. ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਨੈਵਰ ਡਿਪਾਰਟ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਰਟ. ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਮੋਸੇਸ ਵੈਂਟ ਅਵੇ, ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਜੋਸ਼ੂਆ ਕੇਮ ਔਨ ਦ ਸੀਨ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਬਟ ਜੋਸ਼ੂਆ ਟੁੱਕ ਦ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਵਾਸ ਬਰੋਟ ਬਾਈ ਗੋਡ ਥਰੂ ਮੋਸੇਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਇਟ ਇਨ ਹਿਸ ਏਜ. ਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ. ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਈਵਨ ਗੋਡ ਟੋਲਡ ਜੋਸ਼ੂਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੀਪ ਦੋਸ ਟੇਪਸ ਵਿਦ ਯੂ ਵਿਚ ਮੋਸੇਸ ਬਰਾਟ. ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਟੇਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਕੀਪ ਔਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੈਮ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ. ਉਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ. ਡੋਨਟ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਫਰਮ ਵਾਟ ਦ ਟੇਪ ਸੇਜ਼. ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜ. ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੋਰ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ. ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂਗਾ. ਕੀਪ ਔਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਇਸ. ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ. ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, Moses is gone, ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, it's Joshua's time, ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, it's bride's time, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ. But let us understand, ਪਰ ਆਓ ਸਮਝੀਏ, in Joshua's time, which is bride's time, the words brought through Moses were still living. Amen. ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਪਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਆਮੇਨ ਅਗੇਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦ ਮੈਸੇਜ ਡਿਡ ਨਾਟ ਚੇਂਜ. ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ. ਦ ਮੈਸੇਜ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ. ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਪਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਵਾਟ ਇਟ ਸੈਡ ਕੇਮ ਟੂ ਪਾਸ. ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਵੀ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਫਾਰ ਦੈਟ. ਆਮੇਨ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ ਵੈਨ ਦਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੀਚਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਥਰੂ ਮੋਸੇਸ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਿਸ ਮੰਥ ਆਫ ਅਬੀਬ, ਔਰ ਇਹ ਅਬੀਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਟ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਐਂਡ ਕੀਪ ਯੋਰ ਪਾਸ ਓਵਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾ ਕਰੋ. ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਗੇਵ ਅ ਲਾਅ ਵਿਦ ਇਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਆਫਰ ਯੋਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ. ਯੂ ਸੀ, ਗੋਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਅ ਬਿਲੀਵਰਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਯੂ ਕਾਨ ਗੋ ਟੂ ਐਵਰੀ ਚਰਚ ਔਰ ਐਵਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਲੇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਗੋਡ ਸੈਡ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੋਨਟ ਆਫਰ ਯੋਰ ਪਾਸਓਵਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ. ਬਟ ਅ ਪਲੇਸ,
एक खास जगह विच आई शैल चूज जो मैं चुनांगा यू विल नॉट चूज इट तुसी ये जगह नहीं चुनोगे दैट प्लेस इज नॉट योर चॉइस ओ जगह तुहाडा चुनाव नहीं है दैट प्लेस विल बी चोजन बाय मी ओ जगह मैं चुनांगा And when I choose that place, jadon main oh jagah chun lava, I'll give a sign there. Te main utthe ik chinh davanga. And what is that sign? Oh chinh ki hai? I will place my name there. Main utthe apna naam rakhanga. Oh, praise the Lord. Khudavandi stuti ho. When I place my name there, jadon main apna naam utthe rakhan, that will be a sign. Eh utthe ik chinh hovega. That I have chosen that place. Ke main oh jagah nu chuniya hai. God really bless you. Khudavand tuhanu barkat deve. I believe you are following the message. Main vishwas karda ke tuhanu sandesh samajh aa reha hai. Now let us go a little higher. आओ थोड़ा जा होर ऊंचा जाइए When God was giving this law through Moses, जदो खुदा मूसा द्वारा ये व्यवस्था दे रहा सी, we know before God spoke it, असी जान दिया कि इस तो पहला के खुदा बोले, these things were a thought in God's mind, ये चीज़ां खुदा दे दिमाग वेच विचार सन Before he told through Moses, इस तो पहला क्यों मूसा द्वारा कुछ दसे, offer your sacrifice in a chosen place, खुदा कवे के अपनी कुर्बानी तुसी अपना पसाव चुने हुए स्थान में रखो इन द बैक पार्ट ऑफ गॉड्स माइंड खुदा दे दिमाग दे पीछे ही हैड चोजन अ प्लेस उन्हें एक जगह चुनी ही हैड अ प्लेस इन हिज माइंड एक जगह उदे दिमाग में सी It was a thought in his mind. ए विचार सी उदे दिमाग दे विच. And it is a place where God and his family worship together. ए वो जगह सी जिथे खुदा ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ ਵੇ ਯਹੋਵਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਟਸ ਟੁਗੇਦਰ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਗੋਡ ਪਲੇਸਿਸ ਹਿਸ ਨੇਮ ਥੇਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਥਾਟ ਇਨ ਗੋਡਸ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੈਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਮੋਸੇਸ ਟਾਈਮ ਤੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਡ ਬਿਫੋਰ और ये तो है जो पहला भी हो चुका गॉड इन एवरी एज खुदा प्रत्येक काल दे अंदर फॉर हिज बिलीवर अपने विश्वासियों दे लई चोज अ प्लेस वेयर हिज बिलीवर कुड वर्शिप प्रत्येक काल दे विच खुदा अपने विश्वासी दे लई एक जगह चुनदा है जिथे वो विश्वासी आके आराधना कर सके टर्न विद मी टू जेनेसिस 22 आओ मेरे नाल व्यवस्था उत्पत्ति किताब बाईवां अध्याय खोलो लेट्स रीड अ स्क्रिप्चर आओ असी वचन नु पढ़दे हां आई विल रिक्वेस्ट माय ब्रदर टू रीड जेनेसिस 22 वर्सेस 1 एंड 2 असी उत्पत्ति किताब ओदा बाईवां अध्याय ओदी पहली ते दूसरी आयत नु पढ़ांगे यस ब्रदर इना गल्लां दे पिछों ऐओ होया के खुदा ने अब्राहम नु परताया अते उस नु आख्या हे अब्राहम अगों उसने आख्या मैं हाजिर हाँ ता उसने आख्या हुण तू अपने पुत्र नू हाँ अपने इकलौते पुत्र नू जिस नू तू प्यार करदा है अर्थात इजहाक नू लैके मोरिया धरती नू जा अते पहाड़ा विचों एक उत्ते जेड़ा मैं तेनू दसांगा उस नू होम दी बली करके चढ़ा Now God told Abraham, "उन खुदा ने अब्राहम नू दसिया, take your son, अपना पुत्र ले, and your only begotten son, और तू अपना इकलौता पुत्र ले, and offer him as a sacrifice, और उनु एक बलि दे रूप में चढ़ा, but don't offer him anywhere, ते उनु ऐरा गैरा जगह ते ना चढ़ा दे, in a place that I will show you, उस जगह ते चढ़ावी जड़ी मैं तेनू दिखावांगा I will show you that place मैं तेनू वो जगह दिखावांगा Are you understanding की तुसी समझ रहे हो You see when God requires a sacrifice from a believer जदो खुदा विश्वासी तो कुर्बानी दी मांग करदा है Then God chooses the place where the sacrifice is offered ते फिर खुदा जगह भी चुनदा है जिथे वो कुर्बानी चढ़ाई जावेगी Amen आमीन Verse 3 says तीसरी आयत आखदी है Abraham rose up early in the morning तद अब्राहम तड़के उठ के अपने गधे उते पालना कसया yes और अपने दो जवान और अपने दो पुत्र इजहाक नू
नाल लिया और होम दी बली लई लकड़ियां चीरिया अते उठ के उस स्थान तुर पिया जेड़ी यहोवा ने जेड़ी खुदावन ने उसनु दसी सी एंड वेंट इनटू द प्लेस ऑफ विच गॉड हैड टोल्ड हिम ओ उस जगह ते पहुंच गया जेड़ी जगह खुदावन ने उनु दसी सी He had seen it in a vision. उन्हें जगह दर्शन में वेखी सी This seven lettered man. ए सात अखरा वाले बंदे ने Ending with H-A-M. जिदे नाम दा अंत H-A-M नाल हुंदा या He had seen that place in a vision. उन्हें जगह दर्शन में वेखी सी And God had told him और प्रभु ने उनु दस्या That you bring your son as a sacrifice. के अपने पुत्र नु एक बलि दे रूप विच लिया And while he is taking his son as a sacrifice to that place. और जदों अब्राहम अपने पुत्र नु उस कुर्बानी दे रूप विच ले जा रहा है I like you to notice the way the Bible reads. और मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा हां कि बाइबल नु किस तरह पढ़ना चाहिदा है In verse 4 it says. चौथी आयत दसदी है Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw The place afar off. ta tije din Abraham ne apniyan akhan chok ke us sthan nu dooron ditha. What he had seen in a vision, jo kujh ohne darshan vich vekhya si, he had to travel a 3 days journey. Jo kujh ohne darshan vich vekhya si. उस जगह ते पहुंचन लई ओने 3 दिन दी यात्रा कीती एंड ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन ही सॉ दैट प्लेस ओने ओ जगह नु वेख लिया व्हिच वाज ऑन अ माउंटेन जो एक पहाड़ उते सी एंड द मिनट ही सॉ दैट प्लेस जिस समय ओने जगह नु वेख्या समथिंग स्ट्रक हिम किसे चीज ने ओनु धक्का मारिया आई वांट टू शो यू दैट मैं तुहानू दिखाउणा चाहुंदा हां वर्स 4 सेज चौथी आयत दसदी है ऑन द थर्ड डे ही सॉ दैट प्लेस तीसरे दिन उसने उस जगह नु दूरों डिठा इमीडिएटली आफ्टर सीइंग दैट प्लेस उसे समय जदों ने उस जगह नु वेख लिया वर्स 5 पांचवी आयत एंड अब्राहम सेड अनटू हिज यंग मैन ता अब्राहम ने अपने जवाना नु आख्या यस तुसी एथे गधे दे कोल बैठे रहो मैं और ए मुंडा थोड़ी दूर आगे जावांगे अते मथा टेक के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ Listen to it carefully When he saw that place ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲਈ He told these young people ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ I and my son are going there ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ And are going to worship there ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ And we both will come back ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ I repeat it I repeat it. Mainu pher dohraun laga. We both will come back. Assi dono wapas aawange. Brother Branham said. Bhai Branham ne akhya. How can Abraham say that we both will come back? Abraham eh gal kivein keh sakda ki assi dono wapas aawange? Because Isaac is to be offered there. Kyunki Isaac di te utthe qurbani chada deni hai. In Hebrews 11 the faith of Abraham is revealed. अब्राहम किवें कह सकदा कि असीं दोनों वापस आवांगे क्योंकि इब्रानियां 11 विच दस्या गया है कि अब्राहम दे अंदर उहदे विश्वास दा प्रकाशन सी What was the faith Abraham had? अब्राहम दे कोल किस प्रकार दा विश्वास सी प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए द फेथ ही हैड वाज दिस जो विश्वास ओदे अंदर सी ओ ए सी गॉड हैज प्रॉमिस्ड आइज़ैक टू मी के खुदा ने इज़हाक दा मेरे नाल वादा कीता है एंड इट इज थ्रू हिम दैट आई विल हैव मेनी चिल्ड्रन ते खुदा ने वादा कीता सी के इस पुत्र द्वारा मैं तेरे द्वारा जातियां पैदा करांगा एंड नाउ गॉड इज आस्किंग मी हिज लाइफ ते खुदा ओदी जिंदगी मेरे तो मांग रिया है आई नो इट मैं जानदा हां हिज प्रॉमिसेस कैन नॉट फेल मैं जानदा हां
कि ओदा वादा कदे फेल नहीं हो सकता। Even when I'll kill him, भावे मैं ओनु मार भी दवा, God will resurrect him. खुदा ओनु जीवित करेगा। When he saw that place, जदों ने ओ जगह देख ली, there was a faith in him. ओदे अंदर विश्वास आया, a faith for a resurrection. किस तरह का विश्वास उठाए जान वाला, resurrection, जी उठन वाला। Are you understanding? की तुसी मेरे नाल हो? He knew when I go to that provided place. ओ जानदा सी के जेकर मैं उस ठहराई हुई जगह ते चला जावा, I will see a resurrection. ते मैं उते जी उठना वेखांगा। Sit down. बैठ जाइए। God really bless you. खुदावन तुहानू बरकत देवे। But when he went there, पर जदों उते चला गया, God had a different plan. खुदा दे कोले एक अलग योजना सी। For God it was like this. ते खुदा दी योजना इस प्रकार सी। Isaac will never die. खुदा दी योजना ऐ सी के इसहाक कदे नहीं मरेगा। He will not die and rise again. ओ मर के जिंदा नहीं होवेगा। He will return alive. ओ जिंदा ही वापस आवेगा। God had another plan. ओदे कोल एक होर योजना सी। In that provided place, उस ठहराई हुई जगह दे उते, Isaac will never taste of death. इसहाक उस जगह उते मौत दा स्वाद नहीं चखेगा। Because his death has been taken by our sacrifice. क्योंकि इसहाक दी मौत एक कुर्बानी उते पा दिती गई है। Which was not there 5 minutes back. जो कुर्बानी 5 मिनट पहला उते नहीं सी। But after 5 minutes it's there. पर 5 मिनट बाद ओ कुर्बानी ओथे मौजूद सी। What was that sacrifice? ओ कुर्बानी की सी? A spoken word. एक बोलिया हुआ वचन। Which became flesh. जो देतारी हो गया। In that provided place. उस ठहराई हुई जगह दे उते। And when that spoken word came there. जदो बोलिया हुआ वचन ओथे आया। For just 5 minutes. 5 मिनट दे विच। It was enough to make Isaac not taste death. उस 5 मिनट दे विच उस कुर्बानी दा आउणा काफी सी के इसहाक मौत दा स्वाद ना चखे। So that Isaac doesn't die. तो इसहाक नहीं मरेगा। Everybody who comes on this earth has to die. हरेक जो इस धरती ते आउंदा उनू मरना पैना। But in this age there are some people. पर इस युग विच कुछ लोग हन। Who will never taste of death. जो मौत दा स्वाद नहीं चखणगे। But you see, they have to come to a provided place which God showed a prophet. ऐथे कुछ लोग हन जो मौत दा स्वाद नहीं चखण गए। रुको रुको रुको, पर इन्हां नूं इसहाक दी तरह उस स्थान ते आउणा पैणा जो जो खुदा नियुक्त करेगा। Which he showed to a seven-lettered man. अते ए नियुक्त कीता स्थान ओ है जो खुदा ने सत अखरां वाले मनुख नूं दिखाया। And that seven-lettered man has already seen that place in a vision. और ये स्थान ये सात अक्षरां वाला मनुख पहला ही दर्शन में देख चुका है। And in that particular place, और उस खास जगह दे उते, a man in a stretcher went in the room and came out pulling his stretcher. और उस ठहराए हुए स्थान थे एक व्यक्ति सी
जेड़ा कुछ देर पहला उस स्टेचर दे उते लेटिया होया सी प्रदर्शन दे विच वो अपना स्टेचर आप खेच रहा सी। A woman is on a wheelchair. एक औरत जो व्हील चेयर दे उते बैठी हुई सी। But after visiting that place, पर जदों ठहर आए हुए नियुक्त कीते स्थान ते पहुंची, she was pushing out her wheelchair. वो अपनी व्हील चेयर दे नाल वापस जा रही सी। Something happened in that room. उस जगह ते कुछ वापरिया। It was a vision God gave to a prophet. ए ओ दर्शन जी सोड़े जो साड़ा खुदा उस नबी नु दिखा रहा सी। And now Abraham had to take Isaac to that place. ते हुण अब्राहम नु अपना बेटा इसहाक उस जगह ते ले जाना सी। Prophet has to take his son to that place. ते नबी नु ए पुत्र उस जगह ते ले जाने पेने सन। Amen. Amen. And in that particular place, और उस खास स्थान दे उते, when he lifted the knife, जदों ने उस छुरी नु उठाया, the angel said, और दूत ने क्या, stop, ने क्या, रुक जा, the plague stopped. एक जगह जिथे रोक किया गया, there was a cross, वो थे काटा सी, it stopped there. It stopped there. Oh no, rok kya gaya? And what happened next? Aur aage ki hoya? You find. Tujh dekhte ho. Isaac didn't die. Isaac nahi marya. Something appeared for Isaac. Isaac de layi koi prakat hoya. Which was not there. Jo the nahi si. All these years not there. Aur o sare othe nahi san. All these years it was not there. सारे सालां तो उथे नहीं सी। Just right at the time when Isaac had to cross over death, it appeared. पर बिल्कुल वो सही समय जदों इसहाक ने मौत नु पार करना सी, उस समय वो मेमना प्रकट हो गया। That spoken word, oh, bolya hoya vachan, became flesh, bolya hoya vachan deta ri hoya, for just 5 minutes, sir panya minta de andar, those last 5 minutes, aakhri panya minta de vich, which took somebody, jisne kise nu le liya, out of death into life, maut to jeevan val, then what did Abraham sign in the seventh seal? ਬਾਈਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਸੇਡ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਸਪੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਹਾਫ ਆਰ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਲੇਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। But when there is a question between life and death, par jekar jeevan te maut de vich koi prashn hai, even half hour seems like a millennium, te phir adha ghanta vi hazar saale raj varga hai. What do you mean, brother Branham? Bhai Branham ji, tode kehne da matlab ki hai? In that half hour, somebody's fate was getting decided. Bhai Branham ji, tode kehne da matlab ki hai? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Somebody's fate, fate. ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, fate, not faith, fate. ਮੁਕੱਦਰ, yes. Okay. ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ will be revealed. ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Will he die? ਕਿ ਉਹ ਮਰੇਗਾ? Or will he live? ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ? When Abraham picked up his knife, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਉਠਾਈ, will he die? ਕੀ ਉਹ ਮਰੇਗਾ? Or will he live? ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ? In that time, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, the angel appeared. ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ. And said, stop Abraham. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਰੁਕ ਜਾ. And he heard a ram. ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ. What was that ram for? ਉਹ ਮੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ? First he heard the voice.
पहला उन्हें आवाज नु सुनिया फर्स्ट ही हर्ड थंडर्स उन्हें गर्जन नु सुनिया व्हाट नेक्स्ट ही सॉ द वर्ड अगली बार उन्हें वचन नु सुनिया ही सॉ द वर्ड मेड फ्लैश उन्हें सुनिया के वचन देह धारी हो गया है अ वॉइस देन द वॉइस बिकेम फ्लैश ओ आवाज देतारी हो गई एंड व्हाई डिड इट बिकम फ्लैश ओ किदेली देतारी हुई इन दैट प्रोवाइडेड प्लेस ओ किथे देतारी हुई उस ठहराई हुई जगह दे उते टू टेक आइजैक आउट ऑफ डेथ ता क्यों इजहाक नु मौत तो पार करे द फेट वाज डिसाइडेड और ओदा मुकद्दर ओथे ओदा फैसला कीता गया आइजैक विल नॉट डाई के इजहाक नहीं मरेगा A ram has died in his place. Odi jagah te o meda marega. But this ram cannot be seen sitting at home. Par e meda apne ghar baitha mar nahi sakda. You cannot see it in your house. Tusi eh cheez nu apne ghar nahi vekh sakde. This miracle will happen in the place which our God chooses. ए चमत्कार ते ओथे ही वापरेगा जड़ी जगह खुदा ने ठहराई है एंड ही शोड इट इन अ विजन टू अब्राहम ते ए गल अब्राहम नु ने दर्शन विच विखा दिती सी देन गॉड शोड अ प्लेस टू आवर प्रोफेट जदो खुदा ने ओ जगह साडे नबी नु विखाई अ प्लेस वेयर द बॉडी विल चेंज ओ जगह जिथे देह बदल जान गिया यू नो Sit down, please. God bless you. बैठ जाइए. You know something? कुछ जानते हो? When Brother Branham shared the tenth vision, जब भाई ब्रानम ने उस तंबू के दर्शन को साझा किया, many people were waiting for the tenth. कई लोग उस तंबू का इंतजार कर रहे सन. One day, Brother Branham told Brother Perry Green. एक दिन भाई ब्रानम ने भाई पेरी ग्रीन को दसिया. I don't know if the people are waiting for the tenth or they're waiting for the rapture. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾਓ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਰੈਪਚਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਬੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਪਲੇਸ ਇਹ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਗੋਡ ਮੀਟਸ ਵਿਦ ਹਿਸ ਬਲੀਵਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ अपने विश्वासियों नाल मिलता है आर यू अंडरस्टैंडिंग तो ये समझ रहे हो नाउ व्हाट्स द साइन दैट गॉड चोज दिस प्लेस चिन्ह की आ क्यों जगह खुदा ने चुनी गॉड रिवील्ड इमीडिएटली हिज नेम देयर खुदा ने उसे वक्त अपना नाम उथे प्रकट किया एंड व्हाट वाज दैट नेम उथे नाम की सी यहोवा जायरा यहोवा जिरे यू सी द साइन दैट दिस इज माय चोजन प्लेस ए चिन्ह है कि ए जगह मेरी चुनी हुई है गॉड रिवील्स हिज नेम देयर ते खुदा ने अपना नाम उथे प्रकट कीता माय नेम इज यहोवा जायरा मेरा नाम यहोवा जिरे है आई कैन प्रोवाइड फॉर माय सेल्फ अ सैक्रिफाइस मैं अपने आप दे लई कुर्बानी मुहैया करवा सकदा हां एंड व्हेन ही रिवील दैट नेम जदो ने अपना नाम उथे प्रकट कीता लिसन केयरफुली आई एम स्पीकिंग समवेयर ध्यान दियो मैं किस जगह ते बोल रहा हां व्हेन ही रिवील दैट नेम इन दैट प्रोवाइडेड प्लेस जदो उने नियुक्त कीती जगह उते अपना नाम प्रकट कीता अ मैन एस्केप्ड डेथ जदो ने अपना नाम नियुक्त कीती जगह ते प्रकट कीता उथे एक मनुख सी जेड़ा मौत तो बच गया ही डिडंट इवन डाई ओ मरिया नहीं डेथ पास्ड ओवर हिम मौत ओदे लागों दी लंग गई एंड ही रिटर्न्ड बैक और ओ वापस भला चंगा परतिया आर यू अंडरस्टैंडिंग की तू सुन रहे हो व्हेन दिस चाइल्ड आस्क्ड हिज फादर प्रॉफेट जदों इस बच्चे ने अपने नबी पिता नु पुछिया द फायर इज हियर फादर पिता आके इत्थे है इफ आई शुड से टुडे जेकर मैं कहां द फायर इज देयर द क्लाउड इज देयर पापा आगे थे हैं बदल थे हैं द वुड इज हियर लकड़ी भी थे हैं बट वेयर इज द लैम ते फिर मेमना किथे ओ चर्च मे गॉड रिवील समथिंग टू योर हार्ट अपने दिल में छाती मार के देखो
May God reveal something. Khuda tode hirde andar pragat kare. The fire is here. Aage the hai. The cloud is here. Padde the hai. The wood is here, Father. Lakda the han pita. But where is the lamb? Te memna kithe hai? Abraham replied to his son. Abraham ne apne putter nu jawab ditta. My son. Mere bete. God himself. Khuda khud. Will provide a sacrifice. खुदा खुद कुर्बानी मुहैया करावेगा. How it will happen, I don't know. मेनू पता नहीं के किवें होवेगा. But God told me to go there. पर खुदा ने मेनू कहा के उथे चला जा. I know there is a second ride. मेनू पता के उथे एक दूजी सवारी है. I know there is a third pole. मैं जानदा के उथे एक तीजा खिचाव है. I know there is a rapture. मैं जानदा के उथे एक रैप्चर है. But how it will happen? मेनू नहीं पता है किवें होवेगा. But I have just been told to come there. बस मेनू इना क दसिया गया कि तू उथे पहुंच जा. When you reach there, you will find it. ते जदों तू उथे पहुंच जाएगा तेनू वो कुर्बानी मिल जाएगी. And when he came to that place, जदों उथे जगह ते पहुंच गया, immediately उसे वेले a miracle happened. चमत्कार होया. Are you understanding? ही तो ही समझ रहे हो. A miracle happened. चमत्कार होया. 5 minutes back, 5 minutes पहला, the lamb was not there. मेमना उथे नहीं सी. But after 5 minutes, पर 5 minutes बाद, the lamb is there. मेमना उथे है. A spoken word became flesh. बोले होया वचन देहधारी हो गया. Something of the same sort is going to happen now. ते ओ सेम घटना एना दिना विच होन जा रही है. Something will be provided for the bride. दुल्हन दे लई कुछ मुहैया करवाया जावेगा. Brother Branham said. Abraham ने क्या? Today you don't even have faith for divine healing. Abraham ने क्या कि आज ते तुहाडे कोल रब्बी चंगाई जोगा भी विश्वास नहीं है. Then what about rapturing faith? ते रैप्चरिंग विश्वास दे बारे च की गल करदे हो? Then Brother Branham said. फिर Abraham ने क्या? Something has to step forth. उन्हें क्या कुछ ना कुछ ठहराया गया है. Which has to come forward. जिसनु अगे आना पैना है. And where there is no faith, ते जिथे किते विश्वास नहीं है, suddenly there is a huge faith. ते उथे अचानक विश्वास आ जावेगा. Listen brother sister, पैनो प्राव सुनो. But you need to do just one thing, पर तुहानू इक्को ही काम करना पैना है. To come to that provided place, बस ओ ठहराई हुई जगह ते आओ. Which was shown to a seven-lettered man, ओ जगह जो सात अक्षर वाले मनुख नु दिखाई गई सी. Ending with H-A-M. जिदा जिदे नाम दा अंत H-A-M दे नाल हुंदा है. You have to come to that place. तुहानू उस जगह ते आउणा पैना है. Let's see some more scriptures. आओ कुछ होर आयतां वेखिए. Then in Deuteronomy. व्यवस्था सार. Sit down please. God bless you. बैठ जाइए. Can you open the doors please? दरवाजा खोल दियो. That's right, so that some hot wind can go out. God really bless you. Now sit down quietly, please. And pay some attention. In Deuteronomy, then God gave the law to Moses. When you sacrifice your Passover, offer it in the place that I will choose. ते उस जगह ते पसा चढ़ाओ जेडी जगह मैं नियुक्त करांगा. अंडरस्टैंडिंग की समझ रहे हो? एंड नॉट इन द प्लेस यू चूज. उस जगह ते ना चढ़ायो जेडी तुसी खुद चुनो. लेट्स सी अनदर स्क्रिप्चर. आओ कुछ होर आयतां देखिए. टर्न विद मी टू द बुक ऑफ जजेस. आओ असी न्यायियां दी किताब विच चलदे हां. हियर इज अनदर मैन. इत्थे एक होर व्यक्ति है. अ बिलीवर. एक विश्वासी. एंड हिज नेम इज गिदियन. और एदा नाम गिदियोन है. For many days no miracles have happened. कई सालां तो उथे कोई चमत्कार नहीं सी. He is hungering for a miracle working God. और ओ चमत्कारी खुदा दा भुखा प्यासा सी. Are you understanding? की तुई समझ रहे हो? And he said, if God is with us, where are the miracles? उने क्या जे खुदा साडे नाल है ते चमत्कार किथे ने? Are you understanding? समझ रहे हो? He has some questions in his life. ओदी जिंदगी विच कुछ प्रश्न सन. And while he has this in his mind,
और जदों ओदी जिंदगी विच इह प्रश्न सन, एन एंजल अपीयर्ड टू हिम, ते दूत ओदे कोल उतर आया, एंड ही सैट अंडर अ ट्री, और एक दरख्त थले बैठा होया सी, एंड सेड यू माइटी मैन ऑफ वैलर, और उन्हें क्या तू ओ जवान शक्तिशाली लड़के, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि तू समझ रहे हो, गॉड रियली ब्लेस यू, खुदावन तुम्हें बरकत दे, नाउ ट्राई टू फॉलो विद मी प्लीज, मेरे नाल बने रहो, एंड देन व्हेन गिडियन मेट हिम, जदो गिदियोन ओनू मिलिया, गिडियन सेड जस्ट वेट हियर, गिदियोन ने ओनू क्या एथे रुक जरा इंतजार कर, आई हैव अंडरस्टूड हु यू आर, मेनू समझ लैन दे, मेनू मैं समझ गया कि तू कौन है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, तू एक आम इंसान नहीं है, यू आर एन एंजल ऑफ द लॉर्ड, तू खुदावन दा दूत है, लेट मी ब्रिंग अ सैक्रिफाइस टू यू, मैं तेरे अगे कुर्बानी चढ़ाना चाहता हाँ, लिसन केयरफुली, ध्यान दे नाल सुनो, इट सेज इन वर्स 18, 18वीं आयत विच इस तरह लिखा है, दिस इज व्हाट गिडियन इज टेलिंग दैट एंजल, कैन यू रीड ब्रदर, फिर उन्हें जबा अते सलमुना नु आख्या, भाई लेट मी, नो ब्रदर, इट इज सॉरी, इट इज चैप्टर 6, जजेस चैप्टर 6, यस, जजेस चैप्टर 6, न्यायियां दी किताब उदा 6वां अध्याय दी 18वीं आयत, From 18th, yes. मैं तेरे अगे बेनती करदा भई जद तक मैं तेरे कोल मुड़ना आवां अते अपनी भेटा ना लियावां अते तेरे अगे उनू अर्पण ना करां तद तोड़ी तू इथों पैर ना चुकी सो उसने आख्या जद तक तू ना मुड़ेगा तद तक मैं इथे रवांगा Now verse 19. 19 आयत Yes. तद गिदियोन गया अते ओने एक पठोरा अते एक एफा आटे दिया पतीरियां रोटियां पकाईया अते मास नू उसने टोकरी वेच तरिया अते तरी एक देगचे वेच पा के उसदे लई बलूत दे बिरश हेठ लिया रखी He brought the sacrifice. ओ कुर्बानी ले आया. But now he doesn't know the place. ते हुण ओनू जगह दा पता नहीं है. He only brought a sacrifice. Oh, bas kurbani leke aaya. But read verse 20. Aao viyat padhiye. Yes. Tad Yehovah de doot nu keha. Tad Yehovah de doot ne onu keha. Yes. Eh mas ate patiriyan rotiyan nu chok ke us patthar utte rakh de aur tari us de utte dol de so usne usse tarah kita. Are you reading your Bibles? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ He brought a sacrifice ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ but the lord chose the place where he had to bring it ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ He said place it on that rock ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ Yeah that's right ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ And now see what happened brother read father ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ उस शिटी दे सिरे नाल जेड़ी उस दे हाथ विच सी मास अते पतीरियां रोटियां नू छोया अते उस पत्थर विचों अग निकली अते मास अते पतीरियां रोटियां नू खा गई yes. तद यहोवा दा दूत उस दे नेत्रां तो अलोप हो गया A miracle is performed in that place. ते चमत्कार उस जगह ते होया But what revelation did Gideon get at that place? ते गिदाउन उस जगह ते की प्रकाशन मिलिया? Now that is next verse. ये अगली आयत है. Yes, brother. जहाँ गिदाउन ने डिठा, जो ओ यहोवा दा दूत सी, yeah. ता गिदाउन ने आख्या, हाय हाय, हे प्रभु यहोवा, क्यों जो मैं यहोवा दे दूत नू, आमो सामने डिठा, तद यहोवा ने ओनू आख्या तेनू सुख होवे डर ना तू मरेगा नहीं दिस इज द सेंटेंस द बिलीवर हर्ड इन दैट प्लेस ब्रदर ए ओ वाक है जो विश्वासी उस नियुक्त कीती जगह तो सुनदा है एंड व्हाट इज दैट लाइन ओ वाक की है You are not going to die. Tusi nahi maroge. What happened on Moriah? What happened on Moriah? Moriah te ki hoya? Isaac, you shall not die. Unne kya Isaac,
तू नहीं मरेगा। एंड नाउ व्हेन गिदियन ब्रॉट हिज सैक्रिफाइस, जदो गिदियोन अपनी कुर्बानी लेके आया, वेयर द लॉर्ड टोल्ड हिम टू, जिथे यहोवा ने प्रभु ने उसनु कुर्बानी रखन दे लिए क्या सी, द फायर केम एंड कंज्यूम द सैक्रिफाइस, आग निकली अते उस कुर्बानी नु भस्म कर गई, एंड अ लाइन केम आफ्टर दैट, उस तो बाद एक लाइन एक वाक आया, फियर नॉट गिदियन, गिदियोन ना डर, यू शैल नॉट डाई, तू नहीं मरेगा। दिस इज द सेंटेंस अ बिलीवर हियर्स इन दैट प्रोवाइडेड प्लेस, ए वाक है जो एक विश्वासी उस नियुक्त की जगह तो सुनता है। एंड आफ्टर हियरिंग इट, सुनन तो बाद, स्टिल वी डोंट नो वेदर इट इज द प्रोवाइडेड प्लेस, ए वाक सुनन तो बाद भी असी नहीं जानते कि की ये नियुक्त की हुई जगह सी, वेयर इज द नेम, नाम कित्थे आ। नेक्स्ट वर्स, अगली है, यस ब्रदर, तद यहोवा ने उन्हें आख्या तेनु सुख होवे, यस, डर ना, यस, तू मरेगा नहीं, यस। तद गिदियोन ने उथे यहोवा दे लई जगवेदी बनाई और उस दा नाम यहोवा शालोम तरिया, यस, जो अभी अजरिया दे अफरा विच आज दे दिन तोड़ी है। इमीडिएटली गॉड ब्रॉट हिज नेम इन दैट प्लेस, उस जगह दे लई खुदा उसे वक्त अपना नाम लेके उतर आया। When God chooses that place, जदो खुदा कोई जगह चुनदा है, then he brings his name, ते फेरो अपना नाम भी लेउंदा है। But this is something which I want to tell you, ते एथे कुछ है जो मैं तुहानू दसना चाहुंदा हां। In the time of Abraham, अब्राहम दे दिनां विच, the name which he brought is Jehovah Jireh, अब्राहम दे दिनां विच जेड़ा नाम उन्हें लियांदा ओ यहोवा जिरे सी, but in Gideon's time, पर गिदियोन दे दिनां विच, it's not Jehovah Jireh, ओ यहोवा जिरे नहीं है, now it's a new name, होने एक नवा नाम है, and now it's Jehovah Shalom, होने नाम यहोवा शालोम है, his name keeps on changing, ओ अपना नाम बदलता रहिंदा है, he has many attributes, क्योंकि ओदे अंदर बहुत सारे गुण हन। Maybe he has some attribute which will change your body. Ena guna de naal ho sakda oda ik aisa gun vi hai, yeah, jo thodi deh badal devega. After 10 or 15 minutes we'll talk about it. 15 to 20 mint baad assi ede utte gal karange. Yes, that's right. Bilkul theek. There is an attribute in him, कारण यह है कि उसके अंदर गुण हैं, which can change your body, जो थोड़ी देह नु बदल देगा, which can rapture you in seconds, जो एक सेकंड दे अंदर थोड़ा रैप्चर कर देगा, but that attribute has to be revealed somewhere, पर इस गुण नु किते ना किते प्रगट होना पैना है। The attribute he revealed to Abraham is Jehovah Jireh, जो गुणों ने अब्राहम ते प्रगट कीता ए यहोवा जिरे सी, I'll provide for myself the sacrifice, ke main apne aap de layi qurbani pragat karanga, but the attribute he reveals to Gideon, jo gun unne Gideon te pragat kita, is Jehovah Shalom, e Jehovah Shalom si, Shalom, peace be to you, you shall not die, Shalom da matlab hai tenu shanti mile tu nahi marega, are you understanding, ki tu samajh rahe ho, later on you read, I'm to cut short time, I'm not reading it, समा बचाउन दे लई मैं पढ़ नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम यू फाइंड हिम, अगली बार जो तुझ देख दे हो, दिस एंजल अपीयर्स इन मनोवास हाउस, ए दूत मनोवा दे घर विच प्रगट होया। नेक्स्ट टाइम, अगली बार यू फाइंड देयर्स अ किंग कॉल्ड डेविड, ओथे एक दूत राजा है जिदा नाम दाऊद है, ही हैज डन अ मिस्टेक, उने एक गलती की थी है, ही हैज नंबर्ड हिज पीपल, उने अपने लोगों की गिनती की थी है, एंड फॉर 3 डेज, 3 दिन दे लई, an angel is coming smiting the people, aur saja de roop vich ek doot aaya jehda ohde logan nu maar reya si, but on that third day, par teesre din, when the angel came near a particular place, jadon doot ek khaas sthan de utte pahunchya, it was the threshing floor of Ornan the Jebusite, aur eh ek aisi jagah si jo ek Jebusi da khet si, that's right,
And when the angel came there, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, the Lord said, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, stop there, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, don't kill anymore, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ. David in those days was seeking for the place to build the house of God. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਉਸਾਰ ਸਕੇ. By stopping the plague there at that spot, God gave a revelation to David, this is the place. ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ. This is the place, ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, where judgment stop, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, and grace begins, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. Always remember, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, whatever you are, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, when you come to that provided place, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, judgment stop, ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, and grace begins, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Plagues don't fall, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਵਾ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, but the grace of God appears to a believer, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Are you understanding? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? Again you find, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, God chose a place, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, and gave a revelation to David, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, of that place, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, and Solomon built a temple there, ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ. Is that right? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? But that also couldn't stay for long, ਪਰ ਉਹ ਭਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. Because all these were just shadows, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਛਾਈਆਂ ਸਨ. Then in the New Testament, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, here comes Jesus to the woman at the well, ਫਿਰ ਯੇਸ਼ੂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ. And she said, sir, you are a prophet, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ. And then she asked a question, ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, where is that provided place of worship, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? And from yesterday's message, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, neither on this mountain, ਨਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, neither in Jerusalem, ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, but the hour is coming, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, when the true worshipper, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ, shall worship him in spirit and in truth, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ. There is a place, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, where God has placed his name, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, where you have to come and bring your sacrifice, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. But all these which happened in the Old Testament, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, is a shadow of something going to happen today, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ. Are you catching it, brother? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? In every age, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, there was a place, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, where God chose to meet his believer, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ. And then there were seven church ages, ਫਿਰ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਯਾ ਕਾਲ ਆਏ. And in every age, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, the message of that age, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, became the provided place, ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, where God came to meet with man, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. You know the message, ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. The sacrifice appeared only in that place, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. But after the church ages are almost done, ਕਲੀਸਿਯਾ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, when you come to another time, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, God chose a place, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, to rapture his bride, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੇ, and to rapture the bride from that place, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, he has to place his name there, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. And we as believers have to find out, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, where is that place, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ. Now try to follow with me, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ. If you remember the first example I gave you, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲਿਓ, ਥੋੜੀ ਗਲਾ ਤੱਕ. Yes, brother. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. The first example I gave you, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, is Abraham. ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਹੈ. A seven-lettered man, ਸੱਤ ਅਕਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ending with HAM,
जिदे नाम दा अंत HM दे नाल हो रहा, who saw a vision, जिसने दर्शन वेख्या, then traveled a 3 days journey, फिर उन्हें 3 दिन दी यात्रा की थी, and on the third day, और तीसरे दिन, he saw that place, उन्हें वो जगह लब ली. Now I'm going to read something from the message for you. मैं संदेश दे विचो कुछ पढ़ना चाहना तो हाँ This is when a prophet received his healing. और ये उदों दा मैसेज है जो नबी नू ओदी चंगाई मिल गई. On the wings of a snow white dove. सफेद कबूतर दे खंबा होते. I believe you'll understand it. मैं विश्वास करता कि तू ही समझ रहे हो. Doctors had said you can never be healed. डॉक्टर ने कह दिता कि तू कदे चंगा नहीं हो सकता. But then God said. फिर एक दिन खुदा ने कहा. Meet me on that mountain. उन्हें क्या मिनू उस पहाड़ ते मिल. And when he went to that mountain. जो उस पहाड़ उते गया. That squirrel which he saw many years back. ओ गलेरी जेड़ी उन्हें कई साल पहला वेखी सी. You know the message, which was a disease. तुसी संदेश नू जानदे हो गलेरी एक बीमारी सी. But this time, पर इस समय, he saw that the squirrel missed his mouth, struck a cola cactus and died. इस बार जदों ने दर्शन वेख्या ते एक गलेरी आई ते सीधी एदे मुंह विच वड़न लई, पर इस बार वो वड़ नहीं पाई, टकरा के हेठां गिर गई अते एक पखड़े दे पौधे विच बदल गई. It died, finished. एक खत्म हो गई. 2 days later, दो दिन बाद, he went to that place. ओ उस जगह ते गया. Holy Ghost led him to that place. पवित्र आत्मा ने ओदी गवाही उस जगह ते की थी. And when he went to that place, और जदों उस जगह ते गया, he saw that squirrel dead there. और ओने उथे गलेरी नू मरी हुई नू वेख्या. And he mashed it with his feet. और ओने अपने पैरां दे नाल ओनू मसल दिता. And a voice said, और आवाज ने उन्हें क्या, your enemy is dead. तेरा दुश्मन मर गया है. Can you catch the message? कि तू इस संदेश नू समझ पा रहे हो? Then on the second day, दूसरे दिन, his mother had seen 6 doves. ओदी माँ ने 6 फाकता देखिया सन. But he was waiting for a 7th one. पर वो सतवीं दा इंतजार कर रहा सी. That would be his healing. जो कि ओदी चंगाई सी. So on the second day, दूसरे दिन, he went back to the mountain. उस पहाड़ ते वापस गया. And when he came to a place, जदों उस जगह ते पहुंचया, he saw that dove. उन्हें उस कबूतरी नू वेख्या, the seventh dove. ए सत्वी कुगी सी. He said, praise the Lord. उन्हें कहा, प्रभु दी स्तुति हो. He returned back. वो वापस मुड़या. Then he went back a third day. फिर वो तीसरे दिन वापस गया. And now I will read from that PowerPoint. और हुण असी इस पॉइंट नू पढ़ांगे. विल यू रीड विद मी? की तुसी मेरे नाल पढ़ोगे? द थर्ड डे, तीसरे दिन, द 7-lettered मैन, सत्ता अखरां वाला मनुख, एंडिंग विद HAM, जिदे नाम दा अंत HAM दे नाल हो रहा है, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ सम चिल्ड्रन टुडे, जो आत्मिक बाप है आज दे कुछ बच्चियां दा. कैन यू से आमीन? की तुसी आमीन कह सकदे हो? गॉड रियली ब्लेस यू. He said, the third day I went back. उन्हें क्या, तीसरे दिन मैं वापस गया. I was climbing up high. ते मैं उच्चा चढ़दा जा रहा सी. But at this point he stopped. ते इस जगह ते वो रुक गया. He said, उन्हें क्या, many of you know the vision about the Indian chief riding that little wall to the west. कहिंदा तुसी उस रेड इंडियन नू सवारी करदा होया पश्चिम वाल जांदिया वेख्या होवेगा, तो उन्हें दर्शन याद है? What's happening? एक ही हो रहा है. Suddenly, Olin Walker's dream gets connected to that third day. अचानक Olin Walker दा दर्शन इस तीसरे दिन दे नाल जाके जुड़ गया. Are you listening? सुन रहे हो? That man on the white horse. सफेद घोड़े ते एक मनुख सवार. I'll ride the trail again. मैं सवारी फेर कसांगा. And the whole earth started moving. ते सारी धरती कंब गई. Is that right? ये ठीक है. That vision, वो दर्शन, got tied to the third day. वो तीसरे दिन दे नाल जाके जुड़ गया. He said, remember that Indian chief? तुहानू याद है रेड इंडियन चीफ? Then he said, उन्हें क्या, God in heaven knows this is true. स्वर्ग दा खुदा जानदा है कि सच है. Something attracted me off to a big rock. ते किसे चीज ने मेनू उस बड़ी चट्टान वाल आकर्षित कीता. About noon time. दोपहर दे वक्त. And it said, lay your hands against that and pray. और उन्हें क्या,
अपने हाथ उस दे वाल लगा अते प्रार्थना कर. This is a place to pray. ये वो जगह है जिथे तू प्रार्थना करनी है. I laid my hands against that rock. ते मैं उस चट्टान दे नाल अपने हाथ लगाए अते प्रार्थना करन लग गया. And looked up towards heaven. और स्वर्ग वल वेख्या. And started praying. और मैं प्रार्थना करनी शुरू की थी. And I heard a voice. ते मैं एक आवाज सुनी. Coming out of the top of the rocks. ते उस चट्टान दी चोटी तो आवाज आ रही सी. It said. और इसने कहा. What are you leaning against over your heart? जो कुछ तोरे तेरे हृदय दे अंदर है. See the place against which you are leaning. उस जगह नु वेख जिदे सामने तू खड़ा है. And I raised back like this. और इस तरह पीछे नु झुक जा. My bare shoulders. और मैं अपने मोढ़ियां दे पिछाड़े वाल नु झुक गया. Naked from my waist up hot. और excuse me. He's saying I was from here to here. और, I was not wearing anything. It was very hot. और मैं कुछ पहनिया होया ज्यादा नहीं सी पर बहुत गर्मी सी मेरे ऊपरले हिस्से विच. I looked back. और मैं विच पीछे मुड़िया अति वेख्या. And there was wrote in the quartz in the stone white eagle. और जदों मैं पीछे मुड़ के वेख्या एक चट्टान ते चिट्टे अक्षरां दे विच लिखिया होया सी white eagle. Now see exactly it does not written white eagle. हां ओथे White eagle नहीं लिखिया, सफेद उकाब नहीं लिखिया. Only eagle is written there. ओथे उकाब ही लिखिया होया है. But it is written in white color. पर ये चिट्टे अक्षरां दे विच लिखिया होया है. But Brother Branham calls it white eagle. पर ओथे उसने सफेद eagle वेख्या. What do you have in your mind when you say white eagle? जदों तुसी white eagle सुनदे हो ते तुहाडे दिमाग विच की चलदा है? I'm reading in the beginning part of this message. मैं संदेश दा कुछ शुरुआती हिस्सा पढ़न लगा हां. So he's telling his church. ओ अपनी कलीसिया नु दस रिया. So let us do what we can while it's day. और आओ असी ओ करिए जो असी कर सकदे हां. And someday. और एक दिन. The wings of a white eagle will come down. ते एक दिन चिट्टे उकाब दे खंब हेठा आउणगे. He will bear us away. ते ओ सानू उतां ले जावेगा. White eagle is connected to the going home of the bride. चिट्टा उकाब दुल्हन दे स्वर्ग जान दे नाल जुड़िया होया है. Can you show that picture again? और वो तस्वीर दोबारा दिखाओ. God really bless you. खुदाम थोनू बरकत देवे. That white eagle is connected with the rapture. ए चिट्टा उकाब रैप्चर दे नाल जुड़िया होया है. So this eagle is a sign. ए ईगल एक चिन्ह है. For this prophet. इस नबी दे लई. And that is a sign of a rapture. ए रैप्चर दा चिन्ह है. Listen to it carefully. इसनु ध्यान दे नाल सुनो. Now listen to it very carefully. बड़े ध्यान दे नाल सुनो. This is the event on the third day. ए घटना तीसरे दिन दी है. Then he said. फिर उन्हें क्या? Dove leading eagle. फिर उन्हें क्या? कुगी अर्थात फाकता उकाबा दी अगुवाई करेगी. Now many people don't understand this. कई लोग इसनु नहीं समझदे. May God give me grace to maybe say something to you. खुदा मेनु कृपा दवे के मैं तुहानू कुछ कह सका. Eagle has a message. उकाब दे कोल एक संदेश है. Eagle is a prophet. उकाब नबी है. You know the message. संदेश नु जानदे हो. He has a message. उदे कोल संदेश है. And dove is the Holy Ghost. ते फाकता पवित्र आत्मा है. This eagle has a message. इस उकाब दे कोल संदेश है. But his message came on the third day after the second day when the seventh dove was seen. एदा संदेश तीसरे दिन उदों आया जो पिछले दिन अर्थात दूसरे दिन सतवीं कुगी आ चुकी सी. Now just one minute. एक मिनट रुको. What is that seventh dove? सतवीं कुगी की है. We are seeing it today morning. तुसी आज सुबह देखिया. The seventh spirit of God. ए खुदा दी सतवीं आत्मा है. Is that right? ये ठीक है. And that seventh spirit appeared as a seventh angel. जो सत्वी आत्मा सत्वें दूत दे रूप विच प्रगट होई. When it came in a constellation of seven. जदो ए सत्तां दे इकट्ठ विच प्रगट होई. And then the prophet said. फिर नबी ने क्या? This seventh one.
picked me up. Into that constellation. He meant more to me. और ओदा मेरे नाल बड़ा गहरा मतलब सी। Then he said, फिर उसने कहा, Watch, this is the one. उसने कहा, ए है ओ, with the seventh seal, जो सत्वी मोर दे नाल है। The seventh angel held the seventh seal in his hand. सत्वा दूत अपने हाथ वेच सत्वी मोर लाए हुए हैं। Which is the seventh spirit of God, जो के खुदा दी सत्वी आत्मा है। Which is the seventh dove, जो के सत्वी भागता है। Then what is the message of the seventh dove? फिर सत्वी भागता दा संदेश की है। Seventh seal, सत्वी मोर। And what is that seal? और वो मोर की है। A third pole, तीसरा खचाव। That is the message, संदेश है। That is the message, ये है वो संदेश। Of that seventh dove, ये सत्वी भागता दा संदेश है। But who will preach it? पर ये दा प्रचार कौन करेगा? The eagle, उकाब। And he said, "Dove will lead the eagle." ऐसे करके उन्हें क्या भागता कुगी उकाबांधी अगवाई करेगी। The seventh spirit will lead the eagle. ये सत्वी आत्मा उकाबदी अगवाई करेगी। Then he said something. फिर उन्हें क्या? I was so excited. कि तुसी सारे उत्साहित हो। दस मिनट। I'll read it here. मैं तो पढ़ूंगा। Dear God, प्यारे प्रभु, I thank you for these things, Father. प्रभु पिता इन चीजों के लिए मैं धन्यवादी हूँ। You gave Noah the sign. प्रभु तू नूह नु चिन्ह दिता। You gave the world the sign. तू संसार नु चिन्ह दिता। And you gave me a sign. ते तू मेनू भी एक चिन्ह दिता है। And the next day, अगले दिन, seeing that eagle flying. अगले दिन मैं उकाब नु उड़दा होया वेख्या। Oh God, Oh प्रभु, there's a message coming forth now. होण संदेश अगे आ रहा है। He is waiting for a message. ओ संदेश दा इंतजार कर रहा सी। A message is coming forth. संदेश अगे आ रहा है। And I pray God that you let the dove lead. और होण मैं प्रार्थना करदा के प्रभु कुकी उकाबां दी अगवाई करे। Let the dove bring that message. प्रभु ओ कुकी संदेश लेके आवे। Let the eagle preach it. ते उकाबे नु प्रचार करे। What kind of message? किस तरह दा मैसेज? A third pull. तीसरा खचाव। A rapture in faith. उठाए जान वाला विश्वास। Then he said. फिर उसने कहा। Me an old man. मैं बुढ़ा आदमी हाँ। Why did he heal me now? ते ओने मेनु बुढ़ापे च क्यों चंगा कीता? I believe I'll ride this trail again. मैंने चंगा इसलिए कीता क्योंकि मैं विश्वास करता कि मैं इस बारी फिर कसांगा। I got to bring a message. ते मैं संदेश फिर लेके आवांगा। I have a message to bring. मेरे को एक संदेश है प्रचार करने के लिए। I have to bring that message. ते मैं उस संदेश लेके आना है। Are you understanding? कि तू समझ रहे हो? My brother, my sister. मेरे भैनों भ्राओ। It is such a message. ये बड़ा महान संदेश है। Such a message. बहुत ही महान संदेश। That it'll change somebody's body. जो किसे ना किसे दी देनु बदल देगा। God took him before that time. खुदा उन्हें उस पिछले समय में ले गया। He took him before that. उसने वो पीछे ले गया। Then came. What I'm saying, God took him. From this earth. Okay. खुदा उन्हें इस धरती तो ऊपर ले गया। उस समय तो पहले ही उन्हें ऊपर ले गया। He couldn't bring that message. उस संदेश नु ले आ नहीं सकिया। Then when will he bring that message? फिर इस संदेश दा की बनेगा? When will he bring that message? फिर उस संदेश नु वो कदों लेके आवेगा? Yes. That's the point to think. ये सोचन वाली गल है। And who will bring that message? वो संदेश जो भाई ब्रानम ले आना चाहते सी पर ले आ ना सके, वो चले गए, ते उस संदेश नु कौन ले आवेगा? When will that message come? वो संदेश कदों आवेगा? बस यहीं पर कहानी खराब है। Because at this point there are some who claim it's me, it's me, it's me, it's me. ऐथे कहानी बिगड़ी हुई है।
जिथे हर कोई खड़ा होके कह दिंदा ओ मैं आ जिन्हें संदेश लेके आना है. But we need to understand, पर सानू समझन दी जरूरत है. When Orland Walker saw Brother Branham on the white horse, जिदो ओरलैंड वॉकर ने भाई ब्रैनम नू सफेद घोड़े उत्ते वेख्या, Who was this William Branham? ए विलियम ब्रैनम कौन सी? It was God in Mafia. ए खुदा सी जो पेस बदल लेंदा है. I will ride this trail again. मैं इस वारी फेर कसांगा. In other words, दूसरे शब्दों विच, In an appointed time, नियुक्त कीते समय विच, That seventh spirit of God, खुदा दी सत्वी आत्मा, Will arise out of these books. खुदा दी सत्वी आत्मा एना किताबां दे विचों दी आवेगी. Arise out of these tapes. एना टेपां दे विचों दी आवेगी. Show you something. ते तुहानू कुछ दिखावेगी. Just 5 minutes. बस 5 मिनट दे विच. And that would be enough. ते इन्ना ही काफी होवेगा. To change your body. तुहाडी देह नू बदलन दे लई. Listen, my brother. मेरे भाइयो सुनो. But in order to do that, और इस काम नू करन दे लई, not only Abraham walked that 3 days journey. सिर्फ अब्राहम ने 3 दिन दी यात्रा नहीं कीती. His son Isaac had to walk with him. 3 दिन दी यात्रा कली अब्राहम ने ही नहीं कीती, नाल ओदे पुत्र ने भी कीती सी. So in other words, there will be some children today. एदा मतलब आज कुछ बच्चे होन गए. Who will walk with their prophet to that place. हो इस युग विच भी कुछ पुत्र होन गए, कुछ बच्चे होन गए जो नबी दे नाल यात्रा करन गए. What are these meetings? ए सभावा की दर्शा रहीयां हन. We are walking towards that place. असी उस जगह वल वध रहे हां. We have changed our direction. साडी दिशा बदल गई है. We are walking in that direction. असी उस दिशा वल जा रहे हैं. We are coming to that place in the scriptures. असी इना आयतां दे विच आ रहे हैं. We are coming to a certain place in the message. असी इस संदेश दे दूसरे चरण विच आ रहे हैं. To a certain place. असी उस खास जगह दे विच आ रहे हैं. Which is hiding in the message. जो संदेश विच छुपी हुई है. What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने की किया? What is this rapturing faith? ए उठाए जान वाला विश्वास की है? He said it's laying in the messages. उन्हें क्या? ए उठाए जान वाला विश्वास एना संदेशां दे अंदर है. Then the seventh dove today. आज सत्वीं फाख्ता. Oh hallelujah! Hallelujah! Then that seventh dove today. आज सत्वीं फाख्ता किथे है? Will lead the Isaac today. सत्वीं फाख्ता आज इज़हाक दी अगवाई करेगी. In the prophet's footsteps. नबी दे कदमा दे उते. To that place. उस जगह दी वल. A spiritual place. उस आत्मिक जगह दे वल. A place in the message. इस संदेश वाली जगह दे उते. A certain place in this message. एक खास जगह दे उते संदेश दे अंदर. Already we are striking those places now. ते असी पहला तो ही इस जगह ते पहुंच रहे हैं जो संदेश दे अंदर है. We are coming near somewhere. असी बहुत नेड़े पहुंच रहे हैं. But listen carefully. बस ध्यान दे नाल सुनो. One of these days. इना ही दिनां दे विच. You will be standing in that place. इना ही दिनां दे विच तुसी उस जगह ते खड़े होवोगे. And the minute you stand at that place. और जिस समय दे विच तुसी खड़े हुंदे हो. The miracle will happen. ते चमत्कार होवेगा. And what is the miracle? ए ओ चमत्कार है. What is the miracle? चमत्कार की है. After you come to that place. जिस समय तुसी उथे पहुंच जांदे हो. Then God reveals his name there.
कि खुदा अपना नाम उथे प्रगट करेगा। अब यहां बात थोड़ी सी फर्क है, देखो गल फर्क है। Sit down, please. बैठ जाइए। Oh, praise God. You know, brother, I know that place. I heard the message. मैनू जगह दा पता आया क्योंकि मैं मैसेज नु सुनदा हां। Oh, that place is Christ, yeah. और असि जानदे हां कि ओ जगह मसीह है। God bless you. खुदा तुहानू बरकत दे। He placed his name in Jesus. ओने अपनी उस जगह दे उत्ते अपना नाम रखिया जो कि यीशु मसीह है। God bless you. खुदा तुहानू बरकत देवे। आइए आपकी मदद के लिए, थोड़ी मदद दे लई मैं कुछ और पढ़ के सुनाऊं, कुछ और चीजें पढ़ के सुनाऊंगा हां, शायद आपकी कुछ मदद हो। इन द फर्स्ट सील, पहली मोहर दे अंदर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं काफी बोल भी चुका हूं। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा तुहानू बरकत देवे। आमेन आमेन। मैं इन मीटिंग्स में आपको हिलाने आया हूं। मैं सोचता हूं शायद आप लोग हिले होंगे। हम मालूम है नया नाम मसीह है, मसीह का बदन दुल्हन जहां पे उसने नाम रखा, शादी हो गई, नाम ट्रांसफर हो गया, ये सब तो बेटे तुम जानते हो, मैं वहां बोल ही नहीं रहा, ये तो सब मालूम है आपको। कहानी आगे बढ़ रही है भाई, अगली बात सुनिए जो मैसेज में ही है। बात ये है, फसील पहली मोर, ब्रदर ब्रैनम इज रीडिंग रेवलेशन 19, द व्हाइट हॉर्स राइडर। भाई ब्रैनम 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, सफेद घोड़ सवार। व्हाट डिड ओरलैंड वॉकर सॉ? ओरलैंड वॉकर ने की देखा? व्हाइट हॉर्स राइडर, सफेद घोड़ सवार। बट ही सॉ ब्रदर ब्रैनम। भाई ब्रैनम ने की देखा? बट ही सॉ ब्रदर ब्रैनम ऑन द हॉर्स। पर ओने भाई ब्रैनम नु घोड़े ते देखा। हु वाज दैट एक्चुअली? असल में वो कौन है? क्राइस्ट, वो मसीह है। एंड मॉर्फीड इन दैट बॉडी, ओने भाई ब्रैनम दे अंदर भेस वटा लिया मसीह ने। बिकॉज हु इज द रियल चीफ? क्योंकि असली पर असली मुखिया कौन है? क्राइस्ट, मसीह। अंडरस्टैंडिंग? तुम समझ रहे हो? एंड रेवलेशन 19, प्रकाशित 19, दिस व्हाइट हॉर्स राइडर अपीयर्स, सफेद घोड़सवार प्रकट होया। कैसे हंस रहे हो भाई आप? नहीं, एक डिटेल थी जो उस ख्वाब की मैं आपको कल बता नहीं पाया, आज बताता हूं। दैट सेकंड हॉर्स जो चितकबरा था, काला सफेद मिला हुआ, ओ जो डब खड़बा घोड़ा सी, ऑन विच दैट मैन फ्रॉम कैनेडा वॉज राइडिंग, जिदे उत्ते ओ कनेडा दा व्यक्ति सवार सी, ऑन हिज हॉर्स, ओ अपने घोड़े उत्ते, उसके घोड़े पर, उसकी घोड़े की जांग पे हिज सिग्नेचर वॉज रिटन, ओदे घोड़े दे उत्ते, ओदे घोड़े दे पट उत्ते, ओदे साइन होए सन, एंड हिज नेम वॉज रिटन, ओदा नाम उत्ते लिखिया होया सी, बट द हॉर्स ऑन विच ब्रदर ब्रैनम वॉज राइटिंग, पर जिस घोड़े ते भाई ब्रैनम सवार सन, उस पे कोई नाम नहीं लिखा था, ओदे उत्ते कोई नाम लिखिया होया। अरे ब्रैनम ही लिखा होता, चलो घटो घट ब्रैनम ही लिखिया होंदा, जैसे उसका सिग्नेचर इनका सिग्नेचर, जिदा ओदा साइन होया सी इसे तरह एदे भी होए होंदे, लेकिन इस वाले पे कोई सिग्नेचर नहीं है, पर एदे उत्ते कोई सिग्नेचर नहीं सी, कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं सी। क्यों क्यों हर बार आप कुछ कह के हमें कहीं पहुंचाते हैं ब्रदर? नहीं, आइए आगे बढ़े। इन रेवलेशन 19 इट सेज, प्रकाशित 19 दे विच चेंज लिखिया है, एंड आई सॉ हेवन ओपेंड, मैं स्वर्ग नु खुला होया वेख्या, बिहोल अ व्हाइट हॉर्स, और मैं सफेद घोड़े नु वेख्या, नॉट ऑन अर्थ इन हेवन सी, धरती उत्ते नहीं पर स्वर्ग विच, एंड ही दैट सैट ऑन हिम, और ओ जो ओदे ते सवार सी, वाज कॉल्ड फेथफुल, ओदा नाम विश्वास योग सी, ट्रू सच्चा, इन राइचस डज ही जज एंड मेक वॉर, और धार्मिकता से वो न्याय करता है और युद्ध करता है, धार्मिकता दे नाल वो न्याय करदा ते युद्ध करदा है, हिज आईज वर फ्लेम्स ऑफ फायर, और ओदियां अखां अग्नि दी लाट वर्गियां सन, एंड ऑन हिज हेड वाज मेनी क्राउन्स, और ओदे सिर उत्ते बहुत सारे ताज सन। लुक एट दिस बिग डायग्राम, और इस बहुत बड़े ताज को देखें, इस बहुत बड़े ताज नु वेखो, एंड ही हैड अ नेम रिटन, और ओदे उत्ते एक नाम लिखिया होया सी, नो मैन नोड, कोई मनुख नहीं जानता। At this point, Brother Branham stopped. इस पॉइंट उत्ते भाई ब्रैनम रुक गए। I believe I'm talking to message believers here. कि मैं संदेश दे विश्वासियां नाल गल कर रहा हूं। If somebody is new, please forgive me.
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ ਪਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਲਿਸਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਡ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨੋਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਨੋਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਥਾਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਦਿਸ ਨੇਮ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ What does he? What he means is this word, alphabet, the way we pronounce it. He means the pronunciation part. This pronunciation, Jehovah, is actually not correct. अगली गल जो ने कही उन्हें क्या ये जो word Jehovah है, इन्हें सही रीति नाल pronounce नहीं किया जाता. Thank you, brother. God bless you. आपने सही बहुत बढ़िया बात बोली. क्योंकि कुछ लोगों ने इसको पढ़के नबी के अपना खुदा कलाम बना लिया. देखा? नबी ने कहा यहोवा मत बोला करो क्योंकि कई लोगों ने इन्हों हवालिया पढ़ के एक शिक्षा बना ली तो कहना शुरू कर दिता कि नबी ने कह दिता या यहोवा ना बोलिया करो द प्रॉफिट इज नॉट सेइंग दैट नबी ये नहीं कह रहा ही इज सेइंग वी डोंट नो हाउ टू एक्चुअली प्रोनाउंस इट उन्हें क्या असल में सानू पता नहीं है कि एदा उच्चारण किवें करना है द ट्रांसलेटर्स कुड नेवर ट्रांसलेट इट उन्हें क्या अनुवाद करने वाले एदा अनुवाद ही नहीं कर सके इट इज स्पेल्ड जे यू एच वी जे वी एच यू और उन्हें क्या एनू इस तरह एदे अक्षर हन ये जू एच वी ये वी एच यू बट एक्चुअली इट इज नॉट यहोवा और असल में ये यहोवा नहीं है दे कुडंट टच इट उन्हें क्या ये स्पर्श तक नहीं कर सके इस गल वो छू ही नहीं पाए उस नाम को उसनु स्पर्श नहीं कर पाए दे डोंट नो व्हाट इट इज उन्हें पता ही नहीं है कि की है कह देते हैं यहोवा बट एक्चुअली वो नाम है नहीं वो कहता दिंदे आ के यहोवा है पर असल चे नाम है नहीं Nobody knows it कोई नहीं जानता Every time a victory is won और हर बार एक जीत पाया होया A name is changed ओदा नाम बदल जांदा है To cut the long story short समा बचाउन दे लई Abraham became Abraham 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 बन गया Sarah became Sarah Sarai सारा बन गई Jacob became Israel याकूब इज़राइल बन गया Simon became Peter शमौन पतरस बन गया Saul became Paul शाउल पौल बन गया Then James and John became sons of thunder और James and John गर्जन दे पुत्र बन गए That's called Boanerges जिन्हां नूं Boanerges कहा जांदा है That's right After saying all that he says ये सब चीजां कहन तो बाद And Jesus, और यीशु, अब ये है थोड़ी सुनने वाली बात, ये सुनने वाली गल है, And Jesus, और यीशु, His name on earth was Redeemer, यीशु दा नाम धरती उत्ते उद्धार करता सी, Jesus when He was on earth, यीशु जदो धरती उत्ते सी, He was the Redeemer, ओ उद्धार करता सी, That's true, ये बिल्कुल सच है, But when He conquered death and hell. जदो उने मौत अते पताल दे उते फते पाई and overcome them और उने फते पाई उना उते and ascended on high और ओ उतां चुक लिया गया he received a new name उने एक नवा नाम प्राप्त कीता that's the reason यही कारण है you all are the way they do वो चिल्लाते रहते हैं ओ चिल्लाउंदे रहंदे आ and they don't get nothing और ओना नु कुछ नहीं मिलदा सिर्फ चिल्लाते हैं मिलता कुछ नहीं है ओ चिल्लाउंदे रहंदे ओना नु कुछ नहीं मिलदा why क्यों they don't know the new name क्योंकि ओ नवा नाम नहीं जानदे hey it will be revealed in the thunders एक गर्जा विच प्रकट होवेगा आहा see हां देखो अच्छा एक मिनट चलो मान लो नया नाम नहीं मिला क्या प्रॉब्लम है एक वक्त को नया नाम नहीं समझ में आया क्या प्रॉब्लम है भाई इतना क्या जोर देना नए नाम पे अरे इतना प्यारा नाम इतने दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं कैसे बात नहीं बनेगी आइए जरा स्पष्ट करें गॉड ब्लेस यू Notice the mysteries. पेट उते ध्यान दियो। ये नया नाम किस चीज का नया नाम भाई? एक किस चीज का नया नाम है? He is coming, riding.
ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਅਰਸ ਗੋਟ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਚਰਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਵਾਟ ਕੀ ਦ ਨਿਊ ਨੇਮ ਨਵਾਂ ਨਾਮ उद्धार यीशु मसीह के नाम में ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं उद्धार यीशु मसीह के नाम में चंगाई यीशु मसीह के नाम में हर छुटकारे की आशीषें यीशु मसीह के नाम में लेकिन देह बदलाव और उड़ना किसी नए नाम में यहां कहानी थोड़ी खराब है भैया बहुत सोचा थंडर से मैं पीछा छोड़ा हूं पता नहीं यार आज की मीटिंग के बाद तो थंडर से पीछा भैया हमें तो एक क्लॉज लगा दिया आपने कि भैया नया नाम के बिना तो देह बदलाव होगा नहीं कर लो बात भैया नया नाम नहीं मालूम चुना हुआ आराधना का स्थान नाम यीशु मसीह की देह हमें नाम मालूम है अब बताओ अब बढ़ो आगे ना मेरे साथ व्हाई आई एम सीइंग दीज थिंग्स ब्रदर ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं देयर इज अ प्लेस इन द मैसेज टुडे ब्रदर आज संदेश दे अंदर एक नियुक्त कीती हुई जगह है वेट सेवन लेटर्ड मैन सॉ ऑन द थर्ड डे ओ जगह जेडी सात अक्षरों वाले व्यक्ति ने तीसरे दिन देखी सी इट इज एट दैट प्लेस व्हेन दिस आइज़ैक कम्स टू दैट प्लेस ए ओ जगह है जिथे ए आइज़क पहुंचेगा दैट सडनली गॉड विल रिवील हिज न्यू नेम ते अचानक खुदा इस इज़हाक दे उते अपना नवा नाम प्रकट कर देगा नाउ व्हाट हैपेंस हुण की होया ऐसे मैसेज को सुनने के बाद एवरीबॉडी पे लॉर्ड अपना नया नाम बताइए हुण की होवेगा इदां दा संदेश सुन तो बाद हर कोई दुआ करेगा प्रभु अपना नवा नाम दस दे मैं रैप्चर नहीं मिस करना चाहता मैं रैप्चर नहीं मिस करना चाहता के रैप्चर तो जिनका है उन्हीं का है भाई उसका तो वो फैसला हो चुका वो आज नए फैसले नहीं होने वाले प्रभु नया नाम बताएं प्रभु नया नाम बताएं वो कहेगा अब्राहम की तरह घर तो छोड़ो कौन सा घर नॉट दिस काइंड ऑफ हाउस Not this kind of house. इस तरह का भवन नहीं But spiritually where you are. आत्मिक तौर ते जिथे भी तुसी हो Now get up from there. हुण ओथों ऊपर आओ And come to this place. जिस जगह ते तुसी हो ओथों निकल के इस जगह जाओ Travel with your prophet that 3 days journey. ते अपने नबी दे नाल तेन दिन दी यात्रा करो एंड कम टू दैट प्लेस उस जगह ते आओ कम टू दैट ईगल रॉक अते उस उकाब वाली चट्टान ते आओ कम टू दैट प्लेस उस जगह ते आओ इसका मतलब ये नहीं टिकट बुक करवाओ और एरिजोना जाओ एदा मतलब ये नहीं कि टिकट बुक करा के एरिजोना पहुंच जाओ बट देयर वाज अ प्लेस ही सॉ इन अ विजन ਉਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀ which is in the message ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ it's in the books ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ it's in the tapes ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ਔਰ ਫਾਖਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ to come to that place ਔਰ ਕੁਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ When you reach that provided place, जो तुसी उस नियुक्त की थी जगह ते पहुंच जाते हो, God has chosen a place today. खुदा इस योग वेच एक जगह चुन चुका है. And he has shown it to a prophet. और उन्हें जगह उस नबी ने दिखा दी थी. And what is that? वो की है? A tent. एक तंबू. A tent vision. एक तंबू दा दर्शन. A third pole. तीसरा खचाव. That is the place. जगह वॉक टू दैट प्लेस और जगह च जाओ डोंट जस्ट टेक बैप्टिज्म इन जीसस नेम सिर्फ यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा ना लेंदे रहो नाउ कम टू द न्यू नेम हुण उस नवे नाम तक भी आओ फ्रॉम जीसस नेम टू द न्यू नेम यीशु दे नाम तो नवे नाम दे विच इट विल बी रिवील्ड इन द थंडर्स ते ए गर्जां दे विच प्रकट होवेगा तो वन थिंग इज क्लियर एक चीज स्पष्ट है व्हाट वर द थंडर्स
ਗਰਜਾਂ ਕੀ ਹਨ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ 7 ਸੀਲਸ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਸੀਲਸ ਟੋਟਲ 7 ਸੀਲਸ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਥੰਡਰ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਰਜਾਂ ਹਨ ਦੈਨ ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਗਰਜਾਂ ਹਨ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਥੀਸ ਪੇजेस ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਥੀਸ ਪੇजेस ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਮਵੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੈਟ ਨਿਊ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਬ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸੇ ਢੂੰਢਨੇ ਮਤ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਲੈਟ ਦ ਡਵ ਲੀਡ ਕੁਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਵੇਟ ਫਾਰ ਦ ਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਗੋ ਇਨ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਏਗਾ ਟੇਪ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ना सुनने में फर्क आ सकता है उड़ने और ना उड़ने का मैं सोचता हूं शायद आप समझ गए होंगे इतना बड़ा फर्क आ सकता है अपने बैठ के नोट्स मत बनाओ मैं बड़ा खुल के प्रचार करने वाला आदमी हूं चाहे कोई भी हो अपने बैठ के बाइबल के नोट्स मत बनाओ अपनी अकलों के नोट्स मत बनाओ इसने क्या कहा इस दूत ने क्या कहा इसे सुनो आई एम लिसनिंग सर सुन रहे हो लेट द होली गोस्ट गाइड यू पवित्र आत्मा तुहाडी अगवाई करे एंड टेक यू इन दीज मैसेजेस और वो तुहानू इन्हां संदेशां दे अंदर लेके जावे देन इन द प्रोवाइडेड प्लेस ऑफ वर्शिप ही सेड और भक्ति लई नियुक्त कीता स्थान विच उहने आख्या ही सेड ऑल दी सेंट्स वर सीकिंग फॉर दैट प्लेस उहने क्या ये सारे संत उस जगह दी भाल विच सन ओ इट्स अ ह्यूज मैसेज आई कैन प्रीच इट बट वी डोंट हैव टाइम ये बहुत बड़ा संदेश है जिदा मैं प्रचार कर सकदा पर साडे कोल टाइम नहीं है बट ब्रदर ब्रैनम सेड पर भाई ब्रैनम ने आख्या दीज दैट प्लेस ओ जगह एंड देन ही यूज्ड अ वर्ड देयर और ओथे उन्हें एक शब्द इस्तेमाल कीता दीज सीक्रेट पैसेजेस पैसेजेस यस सीक्रेट हिस्से वचन के ये जो भेद हन ये वचन दे हिस्से हन ये गुप्त स्थान वचन में छिपे हैं यस लेट गॉड टेक यू टू दोस प्लेसेस ते खुदा तुहानू उना स्थाना ते लेके जांदा है एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग मैं तुहानू कुछ दसना चाहुंदा हां व्हाट वर दीस मीटिंग्स ए सभावा की सन दीस फोर मीटिंग्स टू यस्टरडे टू टुडे दो काल सन दो आज सन टू पिक यू अप ताकि तुहानू ऊपर उठाया जावे एंड टू फोकस योर अटेंशन ताकि तुहाडा ध्यान खिंचया जावे टू दैट प्लेस उस जगह वल लेट मी टेल यू बिलीवर विश्वासियो मैं तुहानू दसना चाहुंदा हां व्हेन यू आर गोइंग टू दैट प्लेस जदो तुसी उस जगह ते पहुंचदे हो डोंट फियर डरो ना यू आर नॉट गोइंग टू डाई तुसी मरण नहीं जा रहे बट इन दैट प्लेस उस जगह ते देयर समथिंग वेटिंग फॉर यू देयर कोई तुहाडा इंतजार कर रहा है अ स्पोकन वर्ड बोलिया हुआ वचन विच विल अपीयर जो प्रकट होवेगा एंड द मिनट इट हैपेंस और जिस समय होता है आपने देखा अटैची जब खोलते हैं तो कुछ नंबर मिलाते हैं आजकल की जो बनती हैं एक खास जब नंबर मिला खड़ाक अटैची खुल गई ऐसे अभी नंबर लग नहीं रहा एक नाम है कोई कोई नाम है छिपाए जिस दिन वो नाम मिला खड़ाक यहां बदले गए यू नो व्हाई सुस जानदे हो क्यों द डे ही रिवील्स हिज न्यू नेम टू यू जिस दिन वो अपना नवा नाम थोड़े ऊपर प्रकट करता है ही विल टेक यू क्विकली वो तो उन उसे वक्त ले जावेगा बिकॉज़ ही डजंट वांट द वर्ल्ड टू नो इट क्योंकि वो चाहता नहीं कि संसार इस गल नु जाने ओनली द ब्राइड विल नो इट सिर्फ दुल्हन इस गल नु जानेगी एंड दैट इज व्हाई इसे करके यू नीड टू वॉक विद द प्रॉफिट ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੋਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਟੁਡੇ ਹੀ ਹੈਸ ਚੋਜ਼ਨ ਅ ਪਲੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਅ ਟੈਂਟ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਅ ਵਿਜ਼ਨ
एक दर्शन अ प्लेस इन द मैसेज संदेश दे अंदर एक जगह विच इज हाइडिंग इन द सील्स जो मोरा दे अंदर छुपी हुई है विच विल बी रिवील्ड इन द थंडर्स जो गर्जा दे अंदर प्रकट हुंदी है एंड आइज़क विल गो विद हिज प्रॉफेट टू दैट प्लेस और इसहाक अपने नबी दे नाल उस जगह ते पहुंचेगा द वे आई एम प्रीचिंग इट इज क्वाइट सिंपल आई बिलीव और जिस तरीके नाल मैं प्रचार कर रहा है बहुत साधारण है एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन और मैं इनू बार बार दोहरा रहा हूं सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट ताकि तुसी भूल ना जाओ वॉक विद योर प्रॉफेट अपने नबी दे नाल चलदे रहो इन दिस मैसेज इस संदेश दे अंदर एंड यू कम टू दैट प्लेस और उस जगह ते पहुंचो द मिनट यू कम देयर जिस समय तुसी पहुंचदे हो थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग ते कुछ चीजां होनियां शुरू हो जांदियां हन अब वो जब घटेंगी तो तुम ही देखो मैं क्या समझाऊं तब देखो क्या होता है आपके साथ सम मिस्टीरियस थिंग्स कुछ भेद भरिया चीजां वेरी मिस्टीरियस बहुत भेद भरिया बट वन थिंग इज सर्टेन और एक चीज तो पक्की है अभी जो यूं बैठे हो कुछ लगता है कोई है ही नहीं ईमान और आज तक तुम ऐदा बैठे हुए हो जिदा कोई गल है ही नहीं जिदा ईमान ही नहीं कोई है कुछ होगा पर कुछ होगा उस जगह पे यूं खड़े हो जाओगे And you'll have such a faith. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ which you never experienced before. ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. God bless you. ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ. I'll stop the message here. ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ. God bless you. Praise the Lord. After finishing these meetings, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I have one request. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ. Please If you will hear me, जेकर तुसी मेनू सुनोगे, and that is this, और ए है, hear these messages, जेकर तुसी आने वाले दिनों च मेनू सुनोगे, ते उस तो पहला ए संदेश ए टेपा सुनो, hear the tapes, इना टेपा नू सुनो, अब भाई 15, 20, 25, 30, 35 से मैं क्या कर सकता हूँ, जो जितने हैं उतने कम से कम उतने ही सुनो पहले, तब तक चलो कुछ 15-20-35 ने मैं ये कुछ नहीं कर सकता पर जिन्हें है ने उन्हें तो सुनो अच्छा एक बात बोलूं अंग्रेजी कितनों ने आती है भाई आपका तो कल्याण हो गया टेबल का सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उस पर ऑन वो क्या है ऑडियो भी है तो चला उस पर सारे 1180 भी हिंदी में भी ऑडियो के हैं कई तो अगर हिंदी आते तो उनको सुन सकते हो उसमें मैं क्या चाहता हूं आप ट्रांसलेटर को ही मत सुनो ट्रांसलेटर तो समझ गए तो आप समझ में आएगा नबी कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं चाहता यह हूं आवाज सुनो अंग्रेजी वाली आवाज सुनो ये क्या कह रहे हैं भाई आप मैं कुछ बोल रहा हूं मैं कुछ कह रहा हूं आज समझ में नहीं आएगी कुछ दिनों के बाद आएगी बोल रहा हूं मैं कुछ एंड ही केम और वो नबी क्या इंग्लिश जो कि अमेरिकन इंग्लिश है बोल रहे हैं भाई नहीं आती तो नहीं आती क्या समझे भाई उसमें तब एक पंजाबी भाई ने कहा तुसी ये वो करके अब ये समझ में आती है तो आपने वो ट्रांसलेटर की सुनी कि भाई लगाते भी है तो ट्रांसलेटर की समझ में आएगी अरे चिंता ना करो यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपने जीवन की अंग्रेजी समझ में आए ना आए टेप में आवाज सुनो भाई कह के जा रहे हैं किताब पढ़ो भाई ये तो पल्ले पड़ती है हमारे पास हाँ भाई अशोक हाँ भाई भूपिंदर हाँ भाई रॉबिन कितनी किताबें हुई बताइए भाई रोशन बताइए कुछ किताबें मिल सकती हैं ठीक है भाई जितनी हुई हैं मिल जाएंगी किताब में लेकिन पढ़ने के बाद आवाज सुनोगे क्या आवाज तो टेप्स पे है बस यही कम है पंजाब में ज्यादा नहीं है इसके हिंदी में भी मैं क्यों इतने भूल जाऊं हिंदी में भी बहुत नहीं है कितने होंगे 200 सोच के देखिए 1180-1200 में से मात्र 200 हो पाए टेप हिंदी में मैसेज हिंदुस्तान में है 40 साल से और अब तक कितने बने टेप 200 किताबें बनी हैं
वो भी बनी है, टेप्स कितने बने, घरों में इस नबी की आवाज कितनों ने सुनी, ये सवाल पूछो। क्या सुने आवाज ब्रदर, हम तो ठेठ पंजाबी ठहरे, हमें तो भैया हिंदी भी नहीं आती, तो हम क्या समझेंगे अंग्रेजी को। अरे तुम्हें अंग्रेजी समझने को कह कौन रहा है, तो बोला जो समझ में ना उसे क्यों सुने। अरे सुनाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं सुनाओ, कुछ है उस आवाज में ब्रदर। ऐसी अंग्रेजी जो मुझे नहीं आती मैं उसकी आवाज सुनूं, एंड दिस एंड दैट और मैं एंड नेवल एंड ब्रदर बैंक्स और ये, मैं क्या समझूंगा ब्रदर, मैं तो रो पड़ता हूं। अरे रोने की जरूरत नहीं मेरे भाई, उस आवाज को सुनाओ। Something is there in that voice. There's something in that voice. आवाज विच कुछ है। There is something in that voice. आवाज विच कुछ है। मैं कुछ कह के जा रहा हूँ आज इस चर्च में। There is something in that voice, which is not in any voice. उस आवाज विच कुछ है जो किसी होर आवाज विच नहीं है। No. ये मैं आपको समझा नहीं सकता इस मंच से। ये मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूं, ये सुनने के बाद ही पता लगेगा, कुछ दिनों के बाद, कि जो आज पुलपिट पे इस मीटिंग में बोला जा रहा था ये सही है या गलत है, ये कुछ दिनों में साबित होगा। जी मैं ठोक के बोल रहा हूं, ठोक के, ये कुछ दिनों में साबित होगा और ये फर्क पैदा करेगा कितने उड़ेंगे और कितने नहीं उड़ेंगे। इसलिए मैं पहले से समझा रहा हूं, हम क्या समझें, हमें तो जो अपनी भाषा है भैया लोकल वही समझ में आ जाए। अब देखिए तो भाई ये तो कहेंगे भैया तो शराब है हम पर कि हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। अरे मैं आपसे कौन कह रहा हूं कि आप शराब पे, तो मेरे भाई मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा ये बात। नहीं भैया ये तो शराब ही लग गया हम पे कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए, हम तो अनपढ़ हैं, बाइबल में किताब दी गई अनपढ़ को, अनपढ़ने का मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो खुदा ने कहा मेरे मुन्ने ये मैं मेरे से गलती हो गई, मैंने किताब तुझे क्यों दे दी, तू तो पढ़ नहीं सकता, बाइबल लिखा है। खुदा ने उन्हें सराहा नहीं बल्कि ये कहा तुम्हारी बुद्धि अब जाती रहेगी। अरे अनपढ़ को किताब दे रहा है, यानी कुछ है इस किताब में जो अनपढ़ भी सीख सकता है। कुछ है इस आवाज में। नहीं मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई, कुछ है इस आवाज में। जो आप सुनिए, बैठिए, अगर चल पाए ठीक है, नहीं चल पाए कोई बात नहीं। क्या भाई कोई किसी भी टेप का मैसेज उठा के सुना सकते हैं, कुछ चल पाएगा, चल सकता है? कोई भी हो किसी के पास, मैं फिर बंद कर रहा हूं मैसेज, कि मैं नहीं चाहता मुझे ही सुनते रहो। If somebody can pick up any message, कोई सा मैसेज उठा लीजिए। Yes, कुछ तेज आवाज हो सकती है। लाठी को नीचे फेंको, ये एक सर्प में बदल गई। ये तो आपको समझ में आ रही है? अब क्या तुम इससे डरते हो? ये तो समझ में आ रही है। मुझसे उठाओ, और वो वापस लाठी बन गई। Yes. परमेश्वर का वचन उसके लिए है। She was not in the original creation. परमेश्वर ने उसके Okay. All other females is in the original creation. Birds, male and female. Animals, male and female. But in human life, God only made a man. And he took from him, and a woman is a byproduct of a man because God did not institute such a thing. ये वो आयत नहीं है जो आपने लटकाई है? Search the scriptures. Exactly right. बस एक मिनट बंद करिए,
सुनिए आवाज। अब मैं जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो क्या समझे, आवाज तो सुनी। आवाज तो सुनी। अरे मैं कहता हूं एक शब्द ही पकड़ में ना आए ब्रदर, कुछ दिन के बाद कुछ पकड़ में आना शुरू होगा। एक बात बोल के अब मैं बंद करूंगा। सॉरी ब्रदर रॉबिन, जिस पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस्त के दिन अन्य भाषा बुलवाई और 16 लोगों को अपनी भाषा सुनवाई, क्या वो एक अंग्रेजी में बोले गए टेप को तुम्हें नहीं समझा सकता? ये वही खुदा है बेटे, आप हैं किस होश में? मुझे नहीं आती अंग्रेजी, अरे मैंने कब का अंग्रेजी सीखो यार, मैंने कब का अंग्रेजी सीखो। जिस खुदा ने पेंतिकोस्त के दिन 16 लोगों को अपनी भाषा में सुनवाया, मैं बात ट्रांसलेटर की नहीं कर रहा भाई, लेकिन पवित्र आत्मा ट्रांसलेटर है। टेप चलाओ, पवित्र आत्मा को मौका दो, वो खुद ट्रांसलेट करके तुम्हें समझाएगा। इतने साल हो गए बेटे मैसेज में, आवाज नहीं सुनी आपने, ये है प्रॉब्लम। मैं आपको क्या कहूं, मैं आपको क्या बोलूं, इसी गलती में मैं भी हूं। कैसे बैठिए, इतने साल हो गए भाई मुझे भी मैसेज में। ब्रदर ये सच है, सील्स मैंने कई बार पढ़ी, चर्चेजेस पढ़ी, मैसेजेस बहुत पढ़े, आप नाम लीजिए मैंने वो मैसेज पढ़ा है, तभी तो मैं इन पॉइंट्स को रखता रहा हूं इतने सालों से आपके बीच में। मेरे से एक छोटी गलती कह लीजिए जो भी, मैंने ब्रदर टेप बहुत नहीं सुने जितने सुनने थे मुझे। एक आदमी चाहिए मंच से अपनी गलती कबूल करने के लिए भी, तो मैं आदमी हूं जो मैं बोलता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे कोई कुछ समझे। भाई जोसेफ ब्रैनम, खैर खुदा उसे बहुत बरकत दे, क्यों टेप चलाता है, क्यों कहता है वो कि अपने चर्चेस में टेप सुनो? खैर उनकी अपनी बात है, मैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री पे विश्वास करता हूं, मैं प्रचार को विश्वास करता हूं, मैं उन चीजों पे विश्वास करता हूं, आमीन। लेकिन आइए एक रास्ते का बीच देखें, क्यों आवाज सुनाई जा रही है? आयत भूल गए क्या? आयत में यह बोला गया था सातवें दूत की आवाज के दिन में, 10-7 सैकड़ों बार पढ़ा लेकिन इस अकल में ये नहीं घुसा, ये सोचते रहे आवाज पढ़ते रहे लाइन लगा लगा के, नोट्स बना बना के, लकीरें खींच खींच के, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन सुननी थी आवाज। क्या ब्रदर इतना सिंपल है? अरे करके देखो, मेरी क्यों सुन रहे हो भाई, हम तो अंग्रेजी नहीं जानते। अरे फाड़ में जाए, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, माफ करिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, माफ करिए, कई बार हथौड़ा मारना पड़ता है पुराने संघ को काटने के लिए, समझ मारी है भाई। मैं तो पंजाबी जानू, मेरे को ना मालूम कि अंग्रेजी क्या होती है, तुमसे कहा किसने? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आवाज सुनो, कुछ है इस आवाज में, समथिंग इज देयर इन दैट वॉइस। इस पिछले साल मैं दिशा में चल रहा था, खैर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं दिशा सही रही है इतने सालों से, लेकिन मुझे भी बुखार चढ़ा, मैं बीमार पड़ा, और जब मैं बीमार हुआ कुछ दिन मैं अस्पताल में भी भर्ती हुआ। कईयों को यहां पे वो बीमारी कोविड की हुई, हमारे भाई को भी प्रभु ने भी चंगाई दें, लेकिन मैं देखा कि जब भी कभी कभी बीमारी घर में आती है तो
तो एक टर्निंग पॉइंट होता है घर में। हमारे घर में जब हमारे भाई लाल बीमार पड़े कई साल पहले बंबई में, वो बीमारी कारण बनी ये मैसेज मिलने का। ये था वो पॉइंट जब मैसेज मिला। जब मैं बीमार पड़ा, मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, मैंने खुदावन से कहा, मैंने आपके सामने गवाही भी सुनाई, हे प्रभु कहते हैं इस बीमारी में लोग कि फेफड़े ये खराब करता है, प्रभु आपने मुझे अगर सेवा दी है तो खुदा ने इन फेफड़ों को ना छूने दें, बचाएं। मैंने बोला प्रभु से, भैया खुदा का धन्यवाद, 7-10 एक्सरे हुए लेकिन सब क्लियर निकले। खुदावन ने बहुत जान बख्शी, प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन जिन दिनों में मैं बैठता था किताबों के साथ, क्योंकि जान नहीं, जो बीमारी से गुजर चुके उन्हें मालूम है, बिल्कुल ऐसी थकावट और इतनी बुरी हाल होती है, जिस्म टूट जाता है ब्रदर, उठा भी नहीं जाता। और जब आप ऐसे हालत में बिस्तर पे पड़े हो तो अब बैठ के किताब नोट्स जो मैं बनाता था, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा बिस्तर के पास यार ये रखा है, टेबल ऑन करो, मैसेज चलाओ। जब मैंने मैसेज चलाना शुरू किया, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, कमजोरी के कारण कभी ये भी हुआ ब्रदर, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन ये गलत था। लेकिन जो भी कह लीजिए, कमजोरी के कारण नबी का मैसेज चालू किया, थोड़ी देर मैसेज चला ब्रदर, मुझे नींद आ गई क्योंकि कमजोरी थी। मैंने क्या कहा तो एक आवाज ने बंद कर, मैंने कहा नहीं नींद आने तो मैं चलाता रहूंगा यार टेप, अरे कान पे आवाज तो पड़ेगी। क्या हुआ, एक मैं टेप चला रहा था, मैं भूल रहा हूं उस मैसेज का नाम, हां 64 का है, इस यीशु के साथ मैं क्या करूं, पिलातुस का, यह था वो मैसेज। और वो मैसेज अब चल रहा था, मैं सो गया। करीब आधा पौने घंटे के बाद मेरी नींद खुली, दोपहर के लगभग 1 बजे का ब्रदर वक्त था, मैसेज आखिरी चरणों पे पहुंच गया। वहां नबी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, क्या करें इस यीशु के साथ जो तुम्हारे हाथों में दे दिया गया। मैंने सोचना शुरू किया, क्या किया तुमने इस मैसेज के साथ जो तुम्हारे हाथों में दिया गया। पता नहीं कुछ आवाज बोलने लगी। आवाज ने जब बोलना शुरू किया, मेरी मदर इन लॉ आईसीयू में 10 दिन हो चुके थे, मैं कमजोर, मेरा पूरा फैमिली बुखार में निकल रहा था, हमारा एक भाई परिवार पूरा, जब बीमारी आई इस बार थोक के भाव आई दिल्ली में, एक नहीं पूरा घर एडमिट हुआ, हमने वो दौर देखा भैया, इस बार सबके सब होली फैमिली अस्पताल, माँ बेटा बेटी सब, भैया दुआ करना, जिसको दुआ करना वो ही बीमार है। सुनिए क्या हुआ, लेकिन भैया करीब 1 बजे का वक्त था, ये आवाज चिल्ला रही थी, इस यीशु के साथ क्या करें। भैया जाने कहां से कुछ ताकत आई, मैं खड़ा होकर रोने लगा, कहना यस लॉर्ड। और मैं भैया उसी टाइम घुटने के बल आ गया, और घुटने के बल आके मैंने कहा प्रभु मुझ पर रहम करें, शायद जैसा इस टेप के साथ मुझे सलूक करना चाहिए मैंने किया नहीं। फिर मैंने कहा प्रभु हम पर रहम करें, हम बहुत कमजोर हैं, रहम करें, मेरी मदर इन लॉ इतने दिनों से बीमार हैं। 1 बजे का वक्त था, बड़े दिल से सबके लिए मैंने दुआ करी, अचानक आवाज ने कहा तू पास्टर है, बोल, होगा, तेरे पास अधिकार है अपने लोगों को क्लेम करने का। मैंने कहा यस, मैंने दुआ करी, और भैया दुआ जैसी खत्म हुई मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को फोन किया, वो बड़े रुआसे तरीके से बैठा, 1 बजे मैंने कैसी है मदर, बोले भैया, मैंने कहा चिंता ना करो ठीक हो गई, मैंने कहा वो गई ठीक हो गई चिंता ना करो। उसी दिन फोन आने शुरू हो गए, मैं ठीक हो गया ब्रदर, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और उसके बाद वो 78 लगभग साल की हैं,
75-78 साल की, और जिस उम्र रसीदे को यह बीमारी लगती है वो शायद ही बचता है, आपको मालूम है वो बचते नहीं हैं। बहन हॉस्पिटल में जानती हैं, उम्र रसीदे वाले यूजली उनकी रसीदी कटती है, ये सच है। और 10 दिन से बड़ा फेफड़े सारे सफेद टोटली, भैया खड़ी हो गई वो भी, और वो निकल के आए, वो टर्निंग पॉइंट बना उस घर के लिए। मैं गवाही शेयर कर रहा हूं इस टेप की। उसके बाद वो घर लौटी, उसके बाद वो पूरा परिवार डिस्चार्ज होके लौट गया। अजीब सा दौर था चर्च में, हर रोज एक नया फोन, भैया ये एडमिट, भाई ये एडमिट। मैंने कहा खुदावन ये एडमिट मैं कब तक सुनूंगा। जैसी उस दिन दुआ खत्म हुई, अब जवान हो गए, भैया डिस्चार्ज, ब्रदर डिस्चार्ज। कुछ है इस आवाज में, आप समझ नहीं पाओगे ब्रदर, अकल लगाने की जरूरत नहीं है। नो, लगाओ और सुनो और देखो घर में क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चारों मीटिंग में मैं चीखता जा रहा हूं बार बार, और मैं आपसे एक, क्यों आज ये सब हो रहा है ब्रदर, ये जो हो रहा है, एक घंटा लेट मीटिंग चालू हुई, सुबह की मीटिंग लेट, क्योंकि एक शक्ति है जो नहीं चाहती मैं ये बोलूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आज। और देखिएगा ब्रदर, जो बेदारी आएगी वो नातान के पास से आएगी। दाऊद ने नातान को कंसल्ट नहीं किया, आज नातान टेप्स पर है। लिख लो, मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है हग्गै की किताब में, तुम बोते बहुत हो लेकिन थोड़ा काटते हो, और जो लाते हो वो छेद वाली थैली में रखते हो जो टिकता नहीं। लेकिन सोचो, जब से तुमने ये भवन बनाना चालू किया, थोड़ा बोते हो और ज्यादा काटते हो। मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूं ब्रदर, मैं एक बड़ी प्रेरणा महसूस कर रहा हूं, बहुत बड़ी प्रेरणा महसूस कर रहा हूं कि मैं इस मंच से आपसे ये बोलूं, अपने अब्राहम के साथ चलो, पकड़ो उसका हाथ, वो टेप में है, और उसके साथ जाओ स्थान पे। ब्रदर मैं कैसे पहुंचूंगा, अरे करो तो सही। फिर मैं कह रहा हूं वही बात, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, अरे ना समझ में आए तुम्हारे क्या परवाह भाई अंग्रेजी की, तुम्हें आवाज सुनने के लिए कहा, लगाओ टेप, ट्रांसलेटर बोल रहा है सुनो समझो, खुदावन की तारीफ करो, लेकिन आवाज सुनो, आवाज में फिर कुछ होगा। ये तो ब्रदर मैंने बड़ी छोटी सी गवाही बोली, बड़ी छोटी सी गवाही, बहुत दिन पहले की बात है। जो भाई साइमन, भाई बशीर मसीह, जो इस वक्त शायद यहां पे नहीं है, ये आते थे 1993 में, ये जानते हैं मैं जैसे बीमार पड़ा, भाई अशोक भी जानते हैं, वो पुराने लोग जानते हैं, मैं मरने वाला था, ये सच है। धन्यवाद मेरे लिए दुआ हुई, और एक लहू की बूंद किसी ने देखी मेरे सिर पे गिरी। बहन जो हॉस्पिटल में जानती हैं, भाई आशीष जो पीछे डॉक्टर है जानेंगे, मेरा बिल रुबिन 54 था। आपके सामने आज खड़ोगे प्रचार कर रहा हूं, कितनी बड़ी गवाही, ये लोग समझेंगे शायद बाकी ना समझे। इतने बिलरोबिन में कोई बचता नहीं है, मुझे बताते नहीं थे, छिपाते थे कि जब मर रहा है तो आराम से मरने दो, कोई बोलता नहीं था, और मैं समझ रहा था कि कुछ हो रहा है। उन दिनों के बाद दुआ हुई, किसी ने लहू की बूंद गिरते देखी, धन्यवाद मैं चंगा हुआ, लेकिन खुजली बहुत मचती थी। कुछ दिन पहले बुखार, बीमार पड़ने से पहले, ब्रदर मैथ्यूज, ये भाई जानते हैं, ब्रदर मैथ्यूज, उनके घर में एक मैं मीटिंग ले रहा था, और मैंने कहा देखो नवी ने रुमालों पे दुआ करी, कपड़ों पे, तो हमें भी उस सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए।
मुझे ये नहीं मालूम कि बेटा पहला कैंडिडेट तू ही होगा, मुझे नहीं मालूम था। आज आप कुछ और सुन रहे हैं जो आपने नहीं सुना इतने साल। फिर क्या हुआ, भाई स्टोवेल एक छोटा कपड़ा मेरे पास लाए। क्या आप चाहते हैं ये? मैंने कहा ये कौन सा कपड़ा है ब्रदर? बोलते ब्रदर जेफरसन विल से लाया हूं। इस पे भाई जोसेफ ने, भाई बिली पॉल ने, भाई कॉलिंस ने दुआ करी है संदेश को सुन के, प्रेरणा प्राप्त करके कि तुम जाओ इसे बांट के आओ। क्या आप इसे लेना चाहेंगे अपनी बीमारी के लिए? मैंने ब्रदर मैंने तो प्रचार किया था इसके बारे में, लीजिए ब्रदर। ध्यान से सुनिएगा, नबी ने कहा उसको अंदर में किसी बनियान पे या कहीं पे लगा लिया करो। मैंने लगा ली। जो बिल रोमन बहुत धीमे धीमे उतर रहा था, कपड़ा लगाते ही यूं डाउन गया, खत्म खत्म। फिर मैंने उसको निकाला क्योंकि भाई ठीक हो गए। और मेरे पास एक किताब थी जो यहां नूरपुर के थे भाई बलबीर, बलबीर जानते हैं आप, उनकी बेटी की किताब थी वो। अब वो नाम था फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, नबी की जीवन कथा, वो मोटी किताब फुटप्रिंट्स, आप लोगों ने देखी है वो किताब। उसमें मैंने वो प्रेयर क्लॉथ लगा दिया, बंद करके रख दिया। सालों साल पड़ा रहा। इस साल जब मुझे बुखार चढ़ा, 10 दिन बुखार उतरा नहीं, बहुत तेज चढ़ा, दवाइयां ली कुछ नहीं, बड़ा अजीब किस्म का बुखार था। और ये बुखार एक अजीब दुष्टात्मा है, ये मैं आपको बताऊं, ये खाली बुखार नहीं है, एक आत्मा है जो ये आपसे कहलवाती है अगर तू मर गया तेरा क्या होगा। बार बार बिस्तर पे ये विचार जरूर आते थे, मानते हो आप? मैं पहचान गया ये दुष्टात्मा है, एक सुना था लेकिन मैंने इस बार महसूस किया दुष्टात्मा है। बार बार एक आवाज, तू मर गया, ये तेरी वाइफ है, तेरे बच्चे हैं, क्या होगा इनका, तू एक पास्टर है, क्या होगा चर्च का, ऐसे ब्रदर विचार आते थे। लेकिन तभी मैं एक दिन एक्सरे कराने गया, सुबह ही मैंने अपनी वाइफ से कहा, अरे सुनो मुझे याद आया वो कपड़ा पड़ा है, मैं रखा हुआ है फुटप्रिंट्स की किताब में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक काम करते हैं, जाओ पहले एक्सरे खिंचवाते हैं। मैं एक्सरे रूम गया, जिस क्लिनिक पहुंचा एक्सरे पे, तो वहां एक पिक्चर टंगी, उस पे लिखा फुटप्रिंट्स। ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, वही लाइन। मैं समझ गया बेटे, मैं लाइनें पढ़ना बहुत अच्छा जानता हूं। मैं घर पहुंचा, किताब खोली, मैंने वो कपड़ा निकाला, लगाया, खुदावन का धन्यवाद, बीमारी गई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने चंगाई दी। लेकिन चंगाई ही नहीं दी, एक नया काम चालू कर दिया। मालूम क्या काम? टेप सुनो। और ये एक अजीब बात है, जब से टेप सुनते हैं कुछ फर्क दिखने लगा है। आपने शायद महसूस किया होगा इन मीटिंग्स में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हमने कपड़े पे दुआ करी, एक बहन की बेटी का हड्डी टूट गई, उसने कहा मैं जानती हूं, हमारे भाई ने दुआ करी, खुदावन ठीक करेंगे। डॉक्टर ने कहा छोटी बच्ची, उसका पूरी हड्डी टूट गई, अलग कोलीस फ्रैक्चर कहते हैं, नहीं वो टूट गई दोनों, और पूरा डिसलोकेट कर, इसका ऑपरेशन होगा। उसने भैया वो रुमाल बांध के रखा। अगली बार गई, डॉक्टर कहते हैं कि ये कुछ तो है ही नहीं इसको। मैं क्यों बोल रहा हूं प्यारे भाई, हमारा खुदा गुस्सा है, क्योंकि इस आवाज को जो खुदा की आवाज है, वो स्थान जो घरों में मिलना चाहिए नहीं मिला। बात यह है, किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी, आवाज नहीं सुनी। आज की मीटिंग यहीं समाप्त कर रहा हूं, 9 बज गए, आप लोगों भी जाना, हमें भी बड़ा दूर जाना है, लेकिन एक बात बोल के जा रहा हूं, अब घर जाओ, समझ में आए मत आए मत करो परवाह,
ऐठ जाओ शैतान के सामने, फाड़ में जाए यहां से। कहां समझोगे ये बातें तुम, कहां समझोगे, तुम्हारे लिए थोड़ी ना ये बातें, अरे मैं ही समझूंगा। चलाओ इस आवाज को। एक आके कहेगा, ब्रदर समझ में आ रहा है जो आप सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आपके कि अभी तो नहीं आ रहा? मैं वही सोच रहा था कि शायद ये लैंग्वेज आपको नहीं आती, फिर भी आप सुने जा रहे हैं। बोलते हैं, हाँ सुने जा रहा हूं। एक गुरु था, उसे एक चेला चुनना था। सुन लो भाई हिसार के, समझ में आएगी तुम्हारे बात, इसलिए मैं सबकी भाषा में बोल रहा हूं यहां पे। चेला चुनना, उसने शागिर्द बुलाए, और सेठा देखा है, सेठा जिसके मोंढे बनते हैं, मोंढे क्या बोलते हैं यहां पे, अरे वो चेयर बनती है, मोंढे, मोड़े, मोड़े ही बोलते हैं ना, तो जल्दी बोलो भाई, फटाक टाइम निकल रहा है। वो जो सेठे के क्या बोलते हैं उसको, बांस, हाँ वही वही, मेरा मतलब वही है। उसके उसकी छोटी छोटी टोकरियां बना के दे दी, बिनी हुई, जो बेत बिन के बनाते हैं, बीच में खूब हवा, मतलब ये होल थे, बड़े बड़े होल, और सबको पकड़ा दिया, शागिर्द बनने आए हो? बोलते हैं हाँ। बोलते जाओ नदी पे इसमें से पानी भर के ले आओ। 1000 आए थे, 500 तो उसी वक्त लौट गए। बताओ इतनी बड़ी छेद वाली टोकरियों में गुरु कह रहा है पानी भर के लाओ, वैसे इनकी उम्र भी हो गई है काफी, क्या होगा इसमें, आधे तो उसी टाइम लौट गए। 500 ने कहा कोई नहीं, गुरु है, महान है, कुछ मतलब रहा होगा, पहुंच गए। 1 घंटा लगे रहे, यूं डालें पानी निकल जाए। भाई ये मैं कह रहा था वो 500 ठीक ही थे, निकलो, सब निकल गए 2-3 घंटे के बाद, एक रह गया। उसने, गुरु ने कहा था भरेगा तो भरेगा, वो अटक गया, डालता रहा पानी, डालता रहा। 4-5 घंटे के बाद, लगातार लगे रहने के बाद, एक समय आया जब बेत सूजने लगा पानी से। जब बेत ने सूजना शुरू किया, छेद बंद हो गए, तब फिर से डाला, अब पानी भर गया। लौट के आया, गुरु आपने कहा था पानी भरेगा, देखो मैं भरा पानी ला रहा हूं। गुरु मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले तुम ही मेरे चेले हो, चलो मेरे साथ, तुमने टेस्ट को पास कर लिया। ऐसी कह रहा हूं, ऐसी बेत वाली टोकरी के रूप में अंग्रेजी का मैसेज आपके लिए, लग जाओ आज से घर में, लग जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लग जाओ, एक दिन कुछ सूझ के निकलेगा, छेद बंद होंगे, खुदावंद दिलों को जानता है। याद रखना वो दिन बहुत फर्क दिन होगा, उस दिन फिर आप यहां से, आप यहां रह भी नहीं पाओगे। गॉड ब्लेस यू, यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद तुम्हें बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम is not, how should I say it, is not beating in the bush. Bhai Joseph Branham hawa vich teer nahi chala reha. No. No, 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 no. Main ek balanced baat keh raha hu, of course. God bless my brother. Amen. God bless him. He's not beating in the air. No. Oh, हवा में तीर नहीं चला रहा। ना 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 ना। Why is he playing tapes? क्यों टेपां चलाउंदा है? क्या ना अमेरिका में तो प्रॉब्लम ज्यादा है, तो टेप ही चले तो बहुत अच्छा है। ये बात सच है। But let me tell you something. मैं तो ना कुछ दसना चाहता। They know something. वो जान दे हम। वो जानते हैं कि कुछ है। पेरी ग्रीन की गवाही सुनी भाई, पेरी ग्रीन की सारे टिप सुन के गए। मैं क्यों बोल रहा हूं ब्रदर ये बातें? ये लोग प्रचारक नहीं है, मंच पे टेप लगा देते हैं, कितना आसान है,
भाई बात सही भी है, मैं मानता हूं पांच किस्म की सेवकाई है, मैं बैलेंस की बात कहूंगा, मैं मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रचारकों में, पास्टर्स में, इवेंजलिस्ट में, कि वो प्रचार करें। आज मैं भी तो आपके सामने प्रचार ही कर रहा हूं, लेकिन ब्रदर हमारा प्रचार आपको एक लेवल तक ले जा सकता है, उस लेवल के आगे यही ले जाएगा, मुझे भी और आपको भी। अगली बार मिलेंगे तो उसको लॉर्ड विलिंग सुन के मिलेंगे, और क्या पता अगली साइड मिले, तब तक रैप्चरी हो जाए, रैप्चरी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें खुल रही हैं, वो जाने का भी समय लगभग अब आ चुका है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लेट्स प्रे। प्रार्थना करिए, गॉड बी विद अस, खुदावन थोड़े नाल होवे, एंड कीप आवर लाइव्स प्रिजर्व्ड, और साडियां जिंदगियां नु वेखदा रहे, आवर फैमिलीज प्रिजर्व्ड, साडे परिवारां नु वो तकदा रहे, एंड गिव अस ग्रेस, प्रभु सानू कृपा दे, हियर दिस वॉइस, ये आवाज नु सुनो, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, आई प्रे टुडे इवनिंग, आज शाम मेरी दुआ है, देयर वाज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस टुडे, प्रभु आज बहुत सारीयां परेशानियां सन, बट आई रियली थैंक यू, पर मैं सचमुच तेरा धन्यवाद करता हूं, द मैसेज हैज गॉन फोर्थ, प्रभु संदेश अगे वधिया, एंड वी हैव अंडरस्टूड, और असी समझ लिया, वी हैव टू वॉक विद आवर प्रॉफिट, सानू अपने नबी नाल चलना पैना है, एंड यू द होली गोस्ट विल लीड अस टू दैट प्लेस, और तू पवित्र आत्मा साडी उस जगह वल अगुवाई करेगा, वेयर द बॉडी चेंज विल हैपन, जिथे देह बदलाव होवेगा, ओ गॉड लीड अस, प्रभु साड़ी अगवाई कर, Give us grace, प्रभु सानू कृपा दे, to hear these messages, के असी अना संदेशा नू सुनते रहिए, Receive our revival, ते असी अपनी बेदारी नू प्राप्त करिए, May your name be praised, तेरा नाम महिमा पाए, Let every evil and demonic spirit be destroyed from amongst us, हरेक दुष्ट आत्मा इस जगह तो बर्बाद कर दिती जावे, And Lord, give us grace, प्रभु सानू कृपा दे, to be caught up alive with you in the rapture. प्रभु असी अपनी जिंदगियां नू रैप्चर दे नाल जोड़ लईए, ब्लेस पास्टर रॉबिन लॉर्ड, पास्टर रॉबिन नू बरकत दे, हु हैज बीन ट्रांसलेटिंग, जिसने अनुवाद कीता है, ब्लेस ऑल दीस मिनिस्टर्स, सारे सेवकां नू बरकत दे, गॉड गिव प्रेज, खुदा सानू कृपा दे, आई हैड अ बर्डन लॉर्ड, प्रभु मेरे उत्ते बोझ है, एंड यू गेव मी ग्रेस टू रिलीव इट हियर, और प्रभु तू मेरे उत्ते बोझ रखिया अते कृपा दित्ती कि मैं इस बोझ नू इन्हां लोगां उत्ते उतार सकां, लॉर्ड मे दे मेक अ डिसीजन टुनाइट, प्रभु कृपा दे के अज ए लोग फैसला कर सकन, हियर दिस वॉइस, के ओ इस आवाज नू सुनन, मे योर नेम बी प्रेज्ड, तेरा नाम महिमा पाए, व्हेन वी आर गोइंग बैक होम, और हुण जद असीं अपने घरां नू जांदे आ, गिव अस जर्नी मर्सीज, और सानू प्रभु एक महिमा मई जर्नी दे, खुदावन यात्रा दे, एंड व्हेन वी रीच होम्स, और असीं अपने घरां विच पहुंचिए, लेट अस फाइंड एवरीथिंग सेफ एंड साउंड इन योर हैंड्स, और हर एक चीज नु अपने घर दे अंदर भला चंगा पाइए, बी विद अस लॉर्ड, प्रभु साडे नाल हो, एंड गिव अस अनदर ग्रेस अनदर टाइम टू मीट अगेन, प्रभु सानू होर समा अते होर कृपा दे के असीं फेर मिल पाइए, बट इफ देयर इज अ रैप्चर, प्रभु जेकर रैप्चर हो जांदा है, लेट अस ऑल मीट विद यू एंड ईच अदर ऑन द अदर साइड, ते प्रभु सानू कृपा दे के असीं तेरी कृपा दे नाल दूसरे पासे तेनू अते अपने भैण भरावां नू मिलिए, गिव ग्रेस लॉर्ड, प्रभु कृपा दे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह दे नाम विच, आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू पास्टर जॉन, एक सुबह आएगी यहां खड़ा होगा भाई निर्दोष जवान, कहेगा कहां गए, यहीं होंगे यहां, और आप में से कुछ उन्हें देखोगे, हमारे यहां भी कुछ ऐसा होगा, आपके यहां भी कुछ ऐसा होगा, जो अजीज गए आपसे हेलो करने आएंगे, इन्हीं की निगाहों में बता, आई एम वेरी एक्साइटेड, ब्रदर तैयार हो जाओ, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, वो सचमुच के ना महान खुदा बंदे, आमेन,
मैं सिर्फ इन वचनों उत्ते मैं सिर्फ एक ही गल कहूंगा कि अगर कोई भी जन इत्थे जिहड़ा बैठा है अगर खुदावन की प्रेरणा नू और उसकी लीडिंग नू पहचान सकता है ता ओ करे जो अज बोलिया गया है। बस जे कोई समझ पा रहा है कि अज आत्मा का बहाव और वो लीडिंग साडे नाल की बोल रही है तो मैं कहूंगा सिर्फ वो करो जो बोलिया गया है, सिर्फ वो बोलो जो टेप बोलती है और सिर्फ वो करो जो अज बोलिया गया है। हालेलुया, खुदावंद का नाम महिमा पाए। और आओ असी मिलके मैं आखिरी दुआ भाइयों चो भाई सामन नूं बुलाऊंगा। ब्रदर आखिरी दुआ कर दें। दुआ करने तो पहले मैं जरूर दसना चाहूंगा जो ब्रदर आशीष होना ने बोलिया बिल्कुल सच्ची गल है। इस आवाज के अंदर तब्दीली है। मैनू अंग्रेजी नहीं आती, मैं सिर्फ 2 मिनट लैना। और मैं एक दिन किस रस्ते तो गुजर रहा सीगा, मेरी तब्दीली 35 विच हुई सीगी और रस्ते विच टेप लगी हुई सी अंग्रेजी की किसी के घर स्पीकर च। तो उस समय गर्मी भी बहुत सी, तो एकदम जदों मेरे कन्ना विच आवाज़ पई मैं धुप्पे ही खड़ो गया। गर्मी बहुत सी, मैं पूरा पसीने नाल भिज गया पर अद्धा घंटा आवाज़ मैनू हिलण नहीं सी दे रही। और उस आवाज़ ने मतलब जदों ये मैसेज आया है पंजाब विच 1977 की गल मैं दस दवा, ये बारे बड़ी नफरत भरी गई सी। और मैं भी इस नफरत में सी कि किसी आदमी की ये पूजा करते ने भगती करते ने, लेकिन उस आवाज़ ने मैनू बदल दिता और मैसेज मेरी समझ में आ गया। आओ दुआ करिए। साडे प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, अज तू इस पुलपट ते आया है और इस तो पहलों के गल्लां बोलियां जान प्रभु मैनू तू इस दा तजर्बा करवाया। मैं तेरा दिल तो शुक्र करदा प्यारे खुदावंदा तेरे सेवक बंदे लई जिसने प्रभु यीशु मसीह ये गल्लां अज तेरे बच्चों नू प्रेरणा दे लई रखियां ने। अपने सेवक बंदे नू बहुत बरकत दे प्रभु। होन दे के जो कुछ अज असां सुनिया है प्रभु उसनू अमली जामा पहना सकीए, अपनी जिंदगी विच प्रैक्टिकल विच इस नू लिया सकीए और असी अपने रैप्चर नू प्राप्त कर सकीए। तेरे सेवक प्रभु भाई आशीष नू उहदे परिवार नू उहनां दी सारी सेवा नू टीम नू बहुत बरकत दे। जिन्हां भाइयां ने जिन्हां सेवकां ने इन्हां बंदगियां दा इंतजाम कीता है, जिन्हां पैसा खर्चा प्यारे खुदावंदा, उहनां भैण भरावां नू बरकत दे प्रभु, उहनां सेवकां दी सेवकाई नू बरकत दे जिन्हां दे द्वारा प्रभु इस 2021 विच इस नवे साल की शुरुआत विच तेरे बच्चे तकड़े हुए ने प्रभु। तू बड़ी आशीष दे प्रभु, सारा इंतजाम तेरे हत्थां विच दे दिंदे आ। ब्रदर जॉन नू, ब्रदर अशोक नू, ब्रदर रोबन नू जिन्हां ने तर्जमा कीता आ, ब्रदर आशीष नू जिन्हां आके अपना टाइम कढ के प्रभु तेरी सेवा कीती है, उन्हां दी टीम नू प्रभु बहुत बरकत दे प्रभु। शुक्र हो प्रभु जदों असीं जाणदे आ ते सानू कृपा दे प्रभु, असीं इसे मसा नू नाल लैके जाइए और इस साल साडे वास्ते एक बरकत दा साल होवे, रैप्चर नू प्राप्त कर सकीए। तेरा बहुत बहुत धन्नवाद, ओ प्रार्थना नू सुन। इस प्रार्थना नू प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हाँ, आमीन। आओ असी मिल के प्रभु वाली प्रार्थना करते हैं। आए साडे बाप जो तू आसमान ते हैं, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिवें आसमान ते पूरी हुंदी जमीन ते होए,
ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਬਰਕਤ ਅਕਲਮਾ ਪਿਆਸ਼ਿਸ਼ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम पवित्र आत्मा की रिफाकत और इन सात दूतों का अभिषेक और इन टेप्स का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा बने रहे आमीन हालेलुया खुदावन तो हनु सबना ने बड़ी बरकत दे खास करके साडे प्यारे भाई आशीष नु उन्हां दी टीम नु गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स आप आए भैया और भैया आपका बहुत थैंक यू कि आप आए गॉड ब्लेस यू और सारे सेवक भाइयों का ब्रदर रॉबिन ब्रदर अशोक भाई मलकीत भाई राजू भाई बोर्ड सिंह भाई सतनाम भाई साइमन प्रभु तुहानू तो बड़ी बरकत दे सबना गॉड ब्लेस यू और इस दिन असं एक भजन बोलते हैं तुम आपस में मिल सकते हो और अगर कोई आजाद मर्जी नाल ऑफरिंग पाना चाहता तो वह पा सकता है तो मैं भाइयों को इनवाइट करूँगा भाई संदीप जेकब और भाई अमर आजन और आके नाल ही नाल इधर साइड और भजन चलते चलते तुसी आपस एक दूसरे ने मिल सकते हो असी परदेसी ते मुसाफिर हां ए देश नहीं मेरा असी परदेसी ते मुसाफिर हां ए देश नहीं मेरा असी परदेसी ते मुसाफिर हां ए देश नहीं मैं अपनी तेनू पहनागा ए भेस नहीं मेरा मैं अपनी तेनू पहनागा ए भेस नहीं मेरा मैं एक दिन बदल जावांगा समाना छट देंगा मैं एक दिन बदल जावांगा समाना छट देंगा ਬਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ रोज खवाउंदा सी मैनू अपने रूह दे नाल खुदा हर रोज खिलाउंदा सी इना वचना तो इलावा हुण कोई बोझ नहीं मेरा इना वचना तो इलावा हुण कोई बोझ नहीं मेरा मैं अपनी तेनू नहीं मेरा मैं अपनी
बदल जावांगा जमाना छट लियागा मैं एक दिन बदल जावांगा जावांगा जमाना छट देंगा मैं एक
सोचता रहना कद मिलांगा अपने यीशु नू मैं सोचता रहना कद मिलांगा अपने यीशु नू मैं सोचता रहना कद मिलांगा अपने यीशु नू मैं सोचता रहना ए वचना नू मैं हर वेले रुख बदल गया है। ये हवावां हुण कुछ कह रही हैं कि असी ज्यादा दिन हुण इत्थे रहण नहीं वाले और ये जमाना हुण बस असी छड्डण लई तैयार हैं। हालेलुया, ताकि हुण तैयार हैं असी उस नवे जगह ते जो कि साडा हमेशा तो हमेशा जिहड़ा हमेशा तो हमेशा साडा घर सी वापस उत्थे जाण दे लई जिथों असी आए जिथों से निकले वापस उठे जान दे लई। हालेलुया, खुदावन तुहानू बड़ी बरकत और आशीष दे। और तुसी खाने दे लई जा सकते हो, पहले दोपहर दी तरह ही पहले पहना जान गया और वो खान गया। अगर भाइयों नू लगे जो अरेंजमेंट देख रहे हैं कि भाई भी बुलाए जा सकते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ नू बड़े टप सिर तुसी करना। प्रभु तुहानू बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you.